पार्ट टू। तो सेल्फ एक्सरसाइज, सेल्फ रिव्यू एक्सरसाइज वन पहले की थी, जिसमें सिंपली एक सी प्रोग्राम जो हम लिखते हैं, सी प्रोग्राम, उसके क्या क्वेश्चंस हैं और क्या आंसर्स हैं, वो किए थे। अब पार्ट टू है। पार्ट टू से पहले हम इफ एल्स, नेस्टेड इफ और व्हाइल स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एंड उनके आंसर्स इस एक्सरसाइज में हम कंप्लीट करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं शुरुआत से। फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो भी नीचे आगे क्वेश्चन आएंगे उनके जो खाली स्थान दिए गए हैं उनको फिल करना है, उनको भरना है। तो ये क्वेश्चंस हैं, ये आंसर्स भरने के बाद होते हैं। जूम करके एक एक को देख लेते हैं। तो ए प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ द एक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड एंड द ऑर्डर इन विच द एक्शन शुड बी एग्जीक्यूटेड इज कॉल्ड एन और ए। मतलब वो एक कोई प्रोसीजर है, वो प्रणाली जिसमें एक समस्या को हल किया जाता है और जो भी एक्शंस दिए गए उनको किया जाता है, पूरा किया जाता है, एक क्रम में पूरा किया जाता है, इसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है, इसको हम एल्गोरिदम कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लें कि एक कर्मचारी सुबह बेड से उठने के बाद में, बिस्तर से निकलने के बाद में ऑफिस तक कैसे जाता है? तो गेट आउट ऑफ बेड पहली स्टेप, बिस्तर छोड़ता है, उसके बाद में जो भी वस्त्र हैं उनको बदलता है, शावर लेता है, नहाता है, ऑफिस की ड्रेस पहनता है, ब्रेकफास्ट करता है और जो भी वाहन है उसके साथ अपने ऑफिस के लिए निकल लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेसिफाइंग द एग्जीक्यूशन ऑर्डर ऑफ स्टेटमेंट्स बाय द कंप्यूटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर में जो भी हम स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं उनका, उनको किस क्रम में एग्जीक्यूट करना है, किस क्रम में उनको काम में लेना है, ये डिसाइड करने को क्या कहते हैं, इसको स्पेसिफाई करने को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है प्रोग्राम कंट्रोल। प्रोग्राम कंट्रोल, इसमें जैसे ये दो हमने एल्गोरिथम ली थी, उसमें कुछ चेंजेस देखे थे, स्टेप थ्री और फोर को इंटरचेंज कर दिया था, तो ये एल्गोरिथम ऑर्डर गड़बड़ा गया था इस एल्गोरिथम का। तो इसमें हमने बात की कि एल्गोरिथम में ऑर्डर का भी बहुत महत्व होता है, क्रम, किस क्रम में हम ये काम कर रहे हैं उसका बहुत महत्व होता है और इसको हम बोलते हैं प्रोग्राम कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल प्रोग्राम्स कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स। जो भी प्रोग्राम है वो तीन तरह के कंट्रोल स्टेटमेंट्स के रूप में लिखे जाते हैं, वो कौन कौन से हैं? तो वह हैं सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड रिपीटेशन। मतलब अनुक्रम क्या है, किसके बाद किस तरह से करना है और कितनी बार रिपीट करना है, किस तरह से रिपीट करना है। एग्जांपल हम इसके बाद में देखेंगे, ये तीन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिलेक्शन स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट वन एक्शन व्हेन ए कंडीशन इज ट्रू एंड अनदर एक्शन व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स। ऐसा सिलेक्शन स्टेटमेंट कौन सा है जो किसी कंडीशन के सत्य होने पर एक एक्शन लेता है और उसके असत्य होने पर कोई दूसरा एक्शन लेता है, ऐसा सिलेक्शन स्टेटमेंट कौन सा है? तो ऐसा सिलेक्शन स्टेटमेंट है इफ एल्स। इसका एग्जांपल लें तो ये बाईं तरफ एक फ्लो चार्ट दिया है, दाईं तरफ उसका प्रोग्राम दिया है, जिसमें फ्लो चार्ट में हम देख सकते हैं एक एक्शन लिया है, ग्रेड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, यदि ग्रेड की वैल्यू 50 से ज़्यादा या उसके बराबर है तो ये सत्य होगा और प्रिंट होगा पास्ड, यदि ग्रेड की वैल्यू 50 से कम है तो प्रिंट होगा फेल्ड। प्रोग्राम लिखा है, यदि ये कंडीशन यस सत्य है तो एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा जिसमें लिखा है प्रिंट पास्ट, मतलब पास्ट प्रिंट कर देगा, ये असत्य है तो फेल्ड प्रिंट कर देगा। ये प्रोग्राम में देखें तो इफ एल्स में हो रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवरल स्टेटमेंट्स ग्रुप्ड टुगेदर इन ब्रेसेज आर कॉल्ड, कुछ स्टेटमेंट्स को हम मजल कोष्टक में बंद कर देते हैं तो उसको प्रोग्रामिंग में क्या कहा जाता है? आंसर है कंपाउंड स्टेटमेंट और ब्लॉक। उनको या तो कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट कई स्टेटमेंट्स का समाहार, या उसको ब्लॉक कहते हैं। एग्जांपल जैसे वही पिछले एग्जांपल से इफ एल्स उठाएं, तो यहाँ एल्स के बाद में कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है और यहाँ बंद हो गया, इसमें ये दो स्टेटमेंट हैं, जैसे फेल्ड यू हैव टू रिपीट इट, तो ये हो गया एक ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिपीटेशन स्टेटमेंट स्पेसिफाइज दैट ए स्टेटमेंट और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स इज टू बी एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली व्हाइल सम कंडीशन रिमेन्स ट्रू। तो ऐसा रिपीटेशन स्टेटमेंट, जो पुनरावृत्ति स्टेटमेंट कौन सा है, जो कोई कंडीशन है जो जब तक वो कंडीशन सत्य होती है तब तक वो रिपीट होता रहे, वो उसकी पुनरावृत्ति करता रहे, वो एक एक्शन को बार बार लेता रहे, या एक से ज़्यादा जो भी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स हमने दिया ब्लॉक में जो लिखा है उसको रिपीट करता रहे। आंसर है व्हाइल। ये फ्लो चार्ट और प्रोग्राम के रूप में इसका एग्जांपल है व्हाइल। इसमें जैसे हमने लिखा आई लेस देन इक्वल टू 10, तो यदि कंडीशन ट्रू है तो कुछ कैलकुलेशंस करेगा, एन की वैल्यू प्रिंट करेगा और वापस से रिपीट करने चला जाएगा, और इस तरह से ये आई की वैल्यू इंक्रीज होके जब तक 10 से ज़्यादा नहीं हो जाती, मतलब ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, असत्य नहीं हो जाती, तब तक ये रिपीट करता रहेगा, पुनरावृत्ति होती रहेगी, राउंड द राउंड चलता रहेगा। यदि इसी को प्रोग्राम के रूप में देखें तो ये व्हाइल स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपीटेशन ऑफ ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स इज कॉल्ड। जो भी एक इंस्ट्रक्शंस का समुच्चय है वो कुछ फिक्स टाइम, मतलब हमने कह दिया जैसे 10 टाइम्स या 20 टाइम्स या 10 बार या 20 बार, उतनी बार उसकी पुनरावृत्ति हो उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे काउंटर कंट्रोल्ड और डेफिनेट रिपीटेशन। मतलब यहाँ नंबर फिक्स कर दिया है कितनी बार रिपीटेशन होना है, तो उसको काउंटर कंट्रोल्ड, मतलब काउंट हम कुछ कर रहे हैं उससे कंट्रोल कर रहे हैं, या डेफिनेट निश्चित पुनरावृत्ति कहेंगे। एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर काउंटर, जैसे पिछले एग्जाम्पल में लिखा था काउंटर लेस देन इक्वल टू 10, तो यहाँ आगे हम काउंट की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं और काउंट कर रहे हैं, काउंट की वैल्यू जब तक 10 हो जाती है तब तक रिपीट होगा, उसके बाद में नहीं होगा, और व्हाइल के अंदर हम उस तरह किसी काउंटर पे कंडीशन लगा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इट्स नॉट नोन इन एडवांस हाउ मैनी टाइम्स ए सेट ऑफ स्टेटमेंट्स विल बी रिपीटेड, ए वैल्यू कैन बी यूज टू टर्मिनेट द रिपीटेशन। जब हमें पहले से नहीं पता होता कि स्टेटमेंट को कितनी बार रिपीट करना है तो हम किसी एक वैल्यू से उसको टर्मिनेट करते हैं, उस वैल्यू को क्या कहेंगे या उसको क्या कहते हैं इस तरह के स्टेटमेंट एंड को? तो आंसर है सेंटेंस या सेंटिनल, व्हाट एवर यू प्रोनाउंस। इसका एग्जांपल है जैसे हमने एक फ्लो चार्ट बनाया है, इसमें ये एक सेंसिनल जो है वैल्यू जो है वो यूजर द्वारा इनपुट की जाएगी या कैलकुलेशन में आ जाएगी। यहाँ हमने जो लिखा वो यूजर द्वारा इनपुट की जाएगी, जैसे रीड नम ग्रेड, एक ग्रेड की कोई ऐसी वैल्यू दी जाएगी जो इसका यहाँ पर जो कंडीशन दिया उसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, फॉल्स कहेगी, तब तक ये लूप चलता रहेगा। ये एक अगेन इन्फिनिटी लूप है। इसका प्रोग्राम देखें तो प्रोग्राम में हम यहाँ ग्रेड रीड किए हैं बाहर, अंदर ग्रेड पे कंडीशन डाल दी और हर बार ग्रेड को रीड कर रहे हैं। अब ग्रेड की वैल्यू जब तक -1 नहीं होगी तब तक ये रिपीटेशन लूप चलता रहेगा। क्वेश्चन है प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखना है, सी प्रोग्राम लिखना है या सी प्रोग्राम के कुछ स्टेटमेंट्स लिखने हैं जिनमें एक कोई वेरिएबल एक्स उसमें एक ऐड हो जाए, वन ऐड हो जाए, एक जुड़ जाए,
मतलब इसको चार तरीके से लिखना है, ओ तो इसके लिए हम x इक्वल टू x प्लस वन लिख सकते हैं, x प्लस इक्वल टू वन लिख सकते हैं, प्लस प्लस x लिख सकते हैं, x प्लस प्लस लिख सकते हैं। ये चार स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स हैं। राइट ए सिंगल सी स्टेटमेंट टू अकॉम्प्लिश ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये आगे कुछ स्टेटमेंट्स आएंगे जिनमें एक एक करके हमें उनके बारे में, उनके लिए कोई सी स्टेटमेंट लिखना है, सी प्रोग्रामिंग का स्टेटमेंट लिखना है कि सी प्रोग्रामिंग वो काम कैसे करेंगे। तो पहला है मल्टीप्लाई द वेरिएबल प्रोडक्ट बाय टू यूजिंग द स्टार इक्वल टू ऑपरेटर। स्टार इक्वल टू ऑपरेटर यूज करते हुए प्रोडक्ट को दो से मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट नाम का वेरिएबल है, स्टार इक्वल टू ऑपरेटर वो मल्टीप्लाई और असाइनमेंट का काम करता है, तो इसके लिए हम लिखेंगे प्रोडक्ट स्टार इक्वल टू टू। नेक्स्ट मल्टीप्लाई द वेरिएबल प्रोडक्ट बाय टू यूजिंग द इक्वल टू एंड स्टार ऑपरेटर। पिछली बार स्टार ऑपरेटर एक सिंगल ऑपरेटर था, अब स्टार इक्वल टू अलग ऑपरेटर है, स्टार अलग ऑपरेटर, मतलब इक्वल टू एक असाइनमेंट ऑपरेटर, स्टार एक मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर है, और इन दोनों से दोनों को अलग अलग यूज करते हुए प्रोडक्ट को दो से मल्टीप्लाई करना है, तो प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट स्टार टू लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन टेस्ट इफ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल काउंट इज ग्रेटर देन 10, इफ इट इज प्रिंट काउंट इज ग्रेटर देन 10। मतलब एक वेरिएबल है काउंट, और हमें एक ऐसी कंडीशन लगानी है यदि काउंट की वैल्यू 10 से ज्यादा है तो वो प्रिंट करे काउंट इज ग्रेटर देन 10। तो इसके लिए हम लगाएं लिखेंगे इफ काउंट इज ग्रेटर देन 10 प्रिंट एफ काउंट इज ग्रेटर देन 10। ये इस तरह से लिख देंगे इफ में कंडीशन लग जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द रिमाइंडर आफ्टर क्यू इज डिवाइडेड बाय डिवाइजर एंड असाइन द रिजल्ट ऑफ क्यू। राइट दिस स्टेटमेंट टू डिफरेंट वेज। मतलब एक हमें रिमाइंडर कैलकुलेट करना है किसका, जब क्यू में डिवाइजर नाम के वेरिएबल का भाग दें तो भाग देने पर जो शेषफल मिलता है, रिमाइंडर जो मिलता है वो हमें क्यू को असाइन करना है। इसको दो तरह से लिखना है, तो इसको दो तरह से ऐसे लिखेंगे, पहला है क्यू परसेंटेज इक्वल टू डिवाइजर, दूसरा क्यू इक्वल टू क्यू परसेंटेज डिवाइजर। परसेंटेज साइन सी प्रोग्रामिंग में रिमाइंडर के लिए काम में लिया जाता है, तो क्यू परसेंटेज डिवाइजर मतलब क्यू में डिवाइजर का भाग देने पर शेषफल क्या बचता है, और इसको परसेंटेज इक्वल टू ऑपरेटर से भी लिख सकते हैं। प्रिंट द वैल्यू 1, 2, 3.4, 5, 6, 7 विद टू डिजिट्स ऑफ प्रिसीजन। व्हाट वैल्यू इज प्रिंटेड। हमें 1, 2, 3 123.45567 को प्रिंट करना है, लेकिन ये दो ही पॉइंट का प्रिसीजन आए, मतलब दशमलव के बाद में दो अंकों तक की शुद्धता हमें मिले, इस तरह से प्रिंट करना है। तो इसके लिए प्रिंट स्टेटमेंट होगा प्रिंट ऐप, और कन्वर्जन स्पेसिफायर में जहाँ हम परसेंटेज ऐप लिखते हैं वहाँ परसेंटेज पॉइंट टू ऐप लिखना होगा, मतलब जो दशमलव है उसके बाद में दो अंक शुद्धता के साथ प्रिंट हो, तो पॉइंट टू ऐप, और आगे जो भी नंबर प्रिंट करना वो नंबर लिख दिया 1, 2, 3.4, 5, 6, 7। आउटपुट क्या होगा इसका, तो इसका आउटपुट होगा 1.123.46। अब 4, 5 के आगे 6, 7 है तो प्रिसीजन दो अंकों तक का देखने पर 5 में एक ऐड हो जाएगा क्योंकि आगे वाली डिजिट 5 से ज़्यादा है, तो ये 4, 6 हो गया। प्रिंट द फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू 3.14159 विद 3 डिजिट्स टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। व्हाट वैल्यू इज प्रिंटेड। तो हमें एक वैल्यू है 3.14159, इसको प्रिंट करना है, और जैसे पिछली बार दशमलव के बाद में पॉइंट दो डिजिट तक हमने प्रिंट किया, इस बार 3 डिजिट तक प्रिंट करना है, तो यहाँ पॉइंट टू की जगह पॉइंट थ्री लिख देंगे, पॉइंट थ्री ऐप लिख देंगे कन्वर्जन स्पेसिफायर में,
और आगे जो नंबर है वो लिख देंगे। इस बार प्रिंट होगा 3.142। एक सी स्टेटमेंट लिखना है जो इतनी देर कर रहे थे उसी तरह से। फिर से कुछ स्टेटमेंट्स हैं और उनको वो पूरा करें। राइट ए सी स्टेटमेंट टू अकॉम्प्लिश ईच ऑफ द फॉलोइंग टास्क, मतलब एक लाइन में कुछ टास्क दिया जाएगा, कुछ वर्क दिया जाएगा और उसके लिए सी प्रोग्राम में क्या स्टेटमेंट लिखेंगे वो हमें लिखना है। डिफाइन वेरिएबल सम एंड एक्स टू बी टाइप ऑफ इंट, मतलब सम और एक्स नाम से, सम नाम से और एक्स नाम से दो वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं और दोनों इंटीजर टाइप हों, तो इसके लिए हम लिखेंगे इंट सम को मार्क्स या एक्स को मा सम भी लिख सकते हैं और सेमीकोलन पे एंड। सेट वेरिएबल एक्स टू वन, मतलब एक वेरिएबल एक्स है उसकी वैल्यू वन करनी है तो एक्स इक्वल टू वन लिख देंगे सेमीकोलन। सेट वेरिएबल सम टू जीरो, एक सम नाम का वेरिएबल लेना है उसकी वैल्यू जीरो करनी है तो सम इक्वल टू जीरो लिख देंगे। ये एक्स्ट्रा लिखा गया है ये बाद में देखते हैं। एड वेरिएबल एक्स टू वेरिएबल सम एंड असाइन द रिजल्ट टू वेरिएबल सम, ये पहले लिख दिया सम प्लस इक्वल टू एक्स इसका आंसर होगा या इसको सम इक्वल टू सम प्लस एक्स भी लिख सकते हैं। प्रिंट द सम इज फॉलोड बाई द वैल्यू ऑफ वेरिएबल सम, मतलब एक ऐसा सी स्टेटमेंट लिखना है जो प्रिंट करे द सम इज कोलन और उसके बाद में जो भी सम नाम का कोई वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू है वो प्रिंट कर दे, तो इसको प्रिंट ऐप में लिख देंगे। इसके बाद में कन्वर्जन स्पेसिफायर लगा देंगे परसेंटेज डी, क्योंकि सम को हम इंटीजर टाइप ले रहे हैं, और बाद में फॉर्मेट स्ट्रिंग के बाहर कोमा लगा के सम लिख देंगे। ऊपर वाले सभी स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके एक पूरा सी प्रोग्राम बनाना है जो एक से दस तक चले, मतलब एक्स की वैल्यू, एक्स जो वेरिएबल लिया उसकी वैल्यू वन से स्टार्ट हो, टेन तक जाए और जब एक्स की वैल्यू इलेवन हो जाए तो वो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए, प्रोग्राम पूरा हो जाए। और तो इसके लिए हम पहले स्टेटमेंट्स देखते हैं। ये सारे स्टेटमेंट्स हैं, इनको एक साइड में लिख लेते हैं। सम प्लस इक्वल टू एक्स और सम इक्वल टू सम प्लस एक्स में से कोई एक रखेंगे, तो यहाँ हम इन सारे स्टेटमेंट्स को एक बॉक्स में रख लेते हैं। उसके बाद में जो कंडीशन है व्हाइल एक्स इज लेस देन इक्वल टू टेन लगा देते हैं तो एक्स की वैल्यू जो 11 होगी ये टर्मिनेट हो जाएगा और इस तरह से ये प्रोग्राम बन जाएगा जिसमें stdio.h इंक्लूड किया हेडर फाइल, मेन फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल एक्स और सम डिक्लेयर किए हैं, एक्स की वैल्यू वन कर दी, सम की वैल्यू जीरो कर दी और व्हाइल के अंदर दो स्टेटमेंट लिख दिए सम इक्वल टू सम प्लस एक्स, एक्स प्लस प्लस लिख दिया और बाद में बाहर सम की वैल्यू प्रिंट कर दी। राइट सिंगल सी स्टेटमेंट्स दैट, कुछ सी स्टेटमेंट लिखने हैं जो भी एक्शन दिया जा रहा है उसको परफॉर्म करने वाले होने चाहिए। तो पहला एक्शन, इनपुट अनसाइंड इंटीजर वेरिएबल एक्स विद स्कैन एफ, यूज द कन्वर्जन स्पेसिफायर परसेंटेज यू, मतलब स्कैन एफ स्टेटमेंट लिखना है जो किसी एक्स नाम के वेरिएबल को रीड करे और उसके लिए कन्वर्जन स्पेसिफायर, जैसे इंटीजर के लिए कन्वर्जन स्पेसिफायर परसेंटेज डी लेते हैं डेसिमल इंटीजर के लिए, या अनसाइंड इंटीजर जिसके लिए कन्वर्जन स्पेसिफायर परसेंटेज यू लेंगे और परसेंटेज यू मतलब वो अनसाइंड इंटीजर है, अनसाइंड इंटीजर के लिए परसेंटेज यू ले लिया। और अब जो अनसाइंड है उसका मतलब है उसका नेगेटिव साइन नहीं होगा, वो नेगेटिव इंटीजर नहीं होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो इसके लिए हम लिख देंगे स्कैन एप कन्वर्जन स्पेसिफायर परसेंटेज यू लिख दिया, एम परसेंट एक्स लिख दिया, एड्रेस ऑफ एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन,
input unsigned integer variable y with scanf, use the conversion specifier percentage u, जो पिछले स्टेटमेंट में x के साथ किया था वो अब y के साथ करना है, तो वैसा ही x की जगह y लिख देंगे, बाकी सब कुछ सेम। सेट अनसाइंड इंटीजर वेरिएबल i टू 1, एक अनसाइंड वेरिएबल i उसकी वैल्यू 1 करनी है, 1 करनी है, तो i इक्वल टू 1 लिख देंगे। सेट अनसाइंड इंटीजर वेरिएबल पावर टू 1, पावर नाम के एक वेरिएबल लेना है उसको 1 कर देना है, तो पावर इक्वल टू 1 लिख देते हैं। मल्टीप्लाई अनसाइंड इंटीजर वेरिएबल पावर बाई x एंड असाइन द रिजल्ट टू पावर, अनसाइंड वेरिएबल जो पावर लिया है उसको x से मल्टीप्लाई करना है और फिर जो वैल्यू आती है वो पावर को असाइन कर देनी है, मतलब पावर इक्वल टू पावर स्टार x या पावर स्टार इक्वल टू x लिख देंगे। i की वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट करना है, एक बढ़ाना है, तो i इक्वल टू i प्लस 1 कर देंगे या i प्लस प्लस लिख देंगे। टेस्ट i टू सी इफ इट्स लेस देन और इक्वल टू y इन द कंडीशन ऑफ ए व्हाइल स्टेटमेंट, एक व्हाइल स्टेटमेंट लिखना है जिसमें चेक करना है कि i की वैल्यू जो है वो y के इक्वल या उससे कम है। तो व्हाइल i इज लेस देन इक्वल टू y लिख देंगे। आउटपुट अनसाइंड इंटीजर वेरिएबल पावर विद प्रिंटएफ, यूज द कन्वर्जन स्पेसिफायर परसेंटेज u, पावर नाम का जो वेरिएबल है उसको प्रिंट करना है कन्वर्जन स्पेसिफायर परसेंटेज u काम में लेते हुए, तो इसके लिए प्रिंटएफ में परसेंटेज u और वेरिएबल नेम पावर लिख देंगे। अब ये सारे स्टेटमेंट्स हो गए जो हमने लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, राइट ए सी प्रोग्राम दैट यूजेस द स्टेटमेंट्स ऑन द स्क्रीन टू कैलकुलेट एक्स रेज टू द पावर एक्स रेज टू द वाई पावर, द प्रोग्राम शुड हैव ए व्हाइल रिपीटेशन कंट्रोल स्टेटमेंट। एक व्हाइल कंट्रोल स्टेटमेंट जो यहाँ लिखा है उसको यूज करते हुए हमें एक ऐसा सी प्रोग्राम लिखना है जो ये स्क्रीन पर जो स्टेटमेंट्स दिख रहे हैं उनको यूज करता है और उनमें एक्स की पावर वाई कैलकुलेट करता है और वो प्रिंट कर देता है। तो इन स्टेटमेंट्स को एक साथ क्रम में लिख लेते हैं और फिर सबको कंबाइन करते हैं। तो कंबाइन करने से पहले पावर स्टार इक्वल टू एक्स और आई प्लस प्लस, ये दोनों व्हाइल के ब्लॉक के अंदर जाने हैं, तो इनको ब्लॉक में ले जाएंगे और इस तरह से ये सारे स्टेटमेंट्स इस तरह से हो जाएंगे, आई इक्वल टू वन, पावर इक्वल टू वन, बाद में स्कैन स्टेटमेंट जो एक्स की वैल्यू रीड करेगा अनसाइंड एक्स की, बाद में दूसरा स्कैन स्टेटमेंट जो वाई की वैल्यू प्रिंट रीड करेगा, उसके बाद में व्हाइल स्टेटमेंट, उसके व्हाइल के ब्लॉक में पावर स्टार इक्वल टू एक्स और आई प्लस प्लस लिख दिया, एंड में हम पावर को प्रिंट करेंगे। अब इस प्रोग्राम को पूरा करने के लिए इसमें एडर फाइल इंक्लूड कर दी, मेन फंक्शन के अंदर एक्स वाई आई और पावर को डिक्लेयर कर दिया अनसाइंड इंटीजर के रूप में, और प्रोग्राम वैसा का वैसा रहेगा, यहाँ लास्ट में मेन ब्लॉक को बंद कर दिया। आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द एरर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, जो भी आगे स्टेटमेंट्स लिखे हैं उनमें गलती ढूंढनी है और उसको ठीक करना है। ये स्क्रीन पर आ रहा है व्हाइल पैरेंथेसिस में सी लेस देन इक्वल टू 5 और ब्लॉक में प्रोडक्ट स्टार इक्वल टू सी सी प्लस प्लस सी, इसमें गलती क्या है? तो इसमें जो व्हाइल का ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है वो एंड नहीं हो रहा, इसको कंप्लीट करने के लिए इसको एंड करना पड़ेगा, और इसका मतलब प्लस प्लस सी जो सेमीकोलन जो लिखा है उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट मजला कोष्टक बंद कर देंगे, मतलब राइट ब्रेस लगा देंगे। स्कैन एफ कन्वर्जन स्पेसिफायर परसेंटेज 4f है और बाद में वेरिएबल नेम परसेंट एम परसेंट वैल्यू लिखा है, इसमें क्या गलती है? तो स्कैन एफ स्टेटमेंट में कन्वर्जन स्पेसिफायर में फॉर्मेटिंग नहीं देते, फॉर्मेटिंग अलग रूप में देते हैं, इस तरह से 0.4f इस तरह की फॉर्मेटिंग नहीं देते, इसको ठीक करना है तो हमें 0.4 हटाना होगा और स्कैन एफ स्टेटमेंट हो जाएगा स्कैन एफ परसेंटेज एफ कॉमा एम परसेंट वैल्यू।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट्स, इफ पैरेंथिस में जेंडर डबल इक्वल वन पुट्स वुमन, एल्स सेमीकोलन पुट्स मैन सेमीकोलन, इसमें क्या गलती है? इसमें एल्स के बाद में एक सेमीकोलन आ गया है, ये गलती है, क्योंकि ये यहाँ सेमीकोलन एल्स के बाद में लिखने पर इस एल्स स्टेटमेंट का मीनिंग ख़त्म हो जाता है। इसको ठीक करने के लिए एल्स के बाद के सेमीकोलन को हटा देते हैं। नेक्स्ट, जेड इक्वल टू 100 सेमीकोलन व्हाइल जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सम प्लस इक्वल टू जेड। यहाँ पर गलती क्या है? तो यहाँ पर जो जेड की वैल्यू है वो हमेशा ही ग्रेटर देन 0 रहेगी प्रेजेंट लूप के अनुसार, क्योंकि जेड की वैल्यू 100 है और उसमें हमने कहीं यहाँ लिखे हुए के अनुसार कोई चेंज नहीं किया है, इसलिए हमें जेड की वैल्यू में चेंज करना होगा और वो चेंज जेड की वैल्यू कम करके करना होगा। तो यहाँ एक से ज़्यादा स्टेटमेंट देने के लिए हमें ब्लॉक मजला कोष्टक भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्रेजेंट में एक ही स्टेटमेंट है, तो मजला कोष्टक लगाया और अंदर लिख दिया जेड माइनस माइनस, मतलब जेड की वैल्यू एक एक कम होती जाएगी। इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 65 सेमीकोलन पुट्स एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 65 एल्स पुट्स एज इज लेस देन 65। इसमें यहाँ पर इफ स्टेटमेंट के बाद में सेमीकोलन लगा है, इसका मतलब आगे वाले स्टेटमेंट इफ के अंदर नहीं है और एल्स विदाउट इफ हो गया है। तो इसको ठीक करने के लिए इफ के इफ स्टेटमेंट के बाद में जो सेमीकोलन लगा उसको हटाना होगा और प्रोग्राम इस तरह से हो जाएगा। इंट एक्स इक्वल टू 1 टोटल व्हाइल एक्स लेस देन इक्वल टू 10 टोटल प्लस इक्वल टू एक्स प्लस प्लस एक्स, इसमें क्या गलती है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो टोटल नाम का वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज नहीं किया, तो पहली बार जब व्हाइल स्टेटमेंट में जा रहा है वहाँ पर टोटल प्लस इक्वल टू एक्स लिखा है, वहाँ टोटल की या कोई रैंडम वैल्यू ले लेगा, क्योंकि टोटल की प्लस इक्वल टू असाइनमेंट करता है जो लेफ्ट साइड में जो वेरिएबल है उसमें राइट साइड वाले वेरिएबल एक्सप्रेशन को ऐड करके उसी लेफ्ट साइड वाले को असाइन कर देता है, मतलब लेफ्ट साइड वाला वेरिएबल जो है उसकी पुरानी वैल्यू यूज होती है। तो फर्स्ट टाइम जब लूप में आता है तब टोटल की इसके पास वैल्यू नहीं है। यदि टोटल को इनिशियलाइज नहीं किया तो ये कोई भी रैंडम वैल्यू ले लेगा और रिजल्ट में गलत मिलेगा। इसको ठीक करने के लिए टोटल इक्वल टू 0 कर देते हैं व्हाइल स्टेटमेंट से पहले, या जो भी सूटेबल वैल्यू है वो टोटल को असाइन कर देते हैं। व्हाइल एक्स लेस देन इक्वल टू 100 टोटल प्लस इक्वल टू एक्स प्लस प्लस एक्स, इसमें क्या गलती है? तो इसमें दो गलतियां हैं, एक तो व्हाइल के अंदर W अपर केस में लिखा हुआ है, बड़े अक्षर में लिखा हुआ है, जबकि सी प्रोग्रामिंग केस सेंसिटिव होती है, सब कुछ छोटे अक्षरों में आता है। दूसरी इसमें गलती है कि व्हाइल स्टेटमेंट के अंदर एक ही स्टेटमेंट है टोटल प्लस इक्वल टू एक्स, इससे ये लूप जो है वो इन्फिनिटी टाइम्स चलेगा, क्योंकि या तो लूप चलेगा ही नहीं या इन्फिनिटी टाइम्स चलेगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू यदि 100 से कम है तो वो इंक्रीज या डिक्रीज होगी नहीं और इन्फिनिट टाइम चलेगा, और यदि एक्स की वैल्यू 100 से ज़्यादा है तो ये लूप चलेगा ही नहीं। तो प्लस प्लस एक्स है उसको लूप के अंदर डालना होगा, जिससे यदि एक्स की वैल्यू 100 से कम है तो कुछ लिमिट के बाद में वो लूप के बाहर, कुछ लूपिंग करने के बाद बाहर आ सके। तो इसको ठीक करने के लिए व्हाइल में डब्ल्यू को स्मॉल करना पड़ेगा, लोअर केस में करना पड़ेगा, और आगे वाले दोनों स्टेटमेंट टोटल एंड प्लस प्लस एक्स को ब्लॉक में डालना पड़ेगा। नेक्स्ट है व्हाइल वाई ग्रेटर देन 0 प्रिंट एफ वाई प्लस प्लस वाई, इसमें क्या गलती है? इस क्वेश्चन में गलती है कि प्लस प्लस वाई लिखा हुआ है, वाई ग्रेटर देन 0, यदि वाई ग्रेटर देन 0 है तो उसमें 1 ऐड करने पर भी वो ग्रेटर देन 0 रहेगा, उसमें कुछ भी ऐड करने पर ग्रेटर देन 0 ही रहेगा।
मतलब यदि कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो हमेशा के लिए सेटिस्फाई होगी और एक इनफाइनाइट लूप बन जाएगा, ये कभी कंडीशन एंड नहीं होगी। और यदि कंडीशन वाई की वैल्यू जीरो से कम है तो ये कभी सेटिस्फाई होगी नहीं, तो ये प्लस प्लस वाई जो लिखा है ये यूजलेस हो जाता है, काम का नहीं रहता। इसको ठीक करने के लिए यहाँ प्लस प्लस वाई की जगह में माइनस माइनस वाई या वाई इक्वल टू वाई माइनस वन करना होगा। व्हाट डज द फॉलोइंग प्रोग्राम प्रिंट, ये नीचे एक प्रोग्राम लिखा है वो क्या प्रिंट करेगा, इसको हम पहचानने की कोशिश करते हैं। जब भी हम प्रिंट किसी प्रोग्राम के आउटपुट की बात करते हैं तो उसमें प्रिंट जो आउटपुट देने वाले स्टेटमेंट्स हैं उनको चेक करते हैं। यहाँ पर अपने पास दो स्टेटमेंट, दो जगह प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखा हुआ है। पहला प्रिंट एफ स्टेटमेंट एक लूप में है, इसलिए उससे लूप में जितनी बार लूप रिपीट होगा उतनी बार हमें आउटपुट मिलेगा। दूसरा प्रिंट टाइप स्टेटमेंट है वो लूप के बाहर नीचे है, इसलिए लूप वाले प्रिंट टाइप स्टेटमेंट के सारे आउटपुट प्रिंट हो जाएंगे, उसके बाद में बाहर वाला प्रिंट टाइप स्टेटमेंट है वो हमें आउटपुट देगा। लूप वाले प्रिंट टाइप स्टेटमेंट में वाई की वैल्यू प्रिंट हो रही है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है उससे पहले, और एक्स की वैल्यू इनिशियली वन है और अक्स पर ही लूपिंग है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं अक्स की वैल्यू वन है, पहली बार वाई की वैल्यू वन प्रिंट होगी, बाद में अक्स की वैल्यू नीचे इंक्रीज कर दी है, अक्स की वैल्यू इंक्रीज कर दी है तो नेक्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अक्स की वैल्यू टू हो गई है, वाई की वैल्यू टू टू जब फोर हो जाती है फोर प्रिंट करेगा। इस तरह से जब तक एक्स की वैल्यू 10 होती है तब तक ये प्रिंट करेगा, मतलब इंटीजर नंबर्स के स्क्वायर 100 तक प्रिंट करेगा, उन सबको ऐड कर देगा जो भी स्क्वायर है उनको टोटल में, और बाद में फाइनली उनका टोटल क्या है वो प्रिंट कर देगा और आउटपुट हो जाएगा 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 एंड टोटल इज 385, ये आउटपुट होगा। राइट ए प्रोग्राम दैट यूजेज लूपिंग टू प्रिंट द फॉलोइंग टेबल ऑफ वेरिएबल्स, यूज द टेब एस्केप सिक्वेंस / टी इन द प्रिंट एफ स्टेटमेंट टू सेपरेट द कॉलम्स विद टैब्स। तो एक सी प्रोग्राम लिखना है जो यहाँ नीचे जो आउटपुट जो दिख रहा है लिखा हुआ लेफ्ट साइड में एन लिखा है, बाद में कुछ टेब के बाद में 10 स्टार एन लिखा है, बाद में कुछ स्पेस के बाद में 100 स्टार एन लिखा है, बाद में 1000 स्टार एन लिखा है। नीचे एन के नीचे वाले कॉलम में 1 to 10 लिखा है, 10 स्टार एन वाले कॉलम में 10, 20, 30 एंड सो ऑन 100 तक लिखा है। इसी तरह से आगे वाले में फर्स्ट कॉलम का 100 से मल्टीप्लाई और नेक्स्ट में 1000 से मल्टीप्लाई लिखा है। ये हमें प्रिंट करना है और इसके लिए टैब्स काम में लेनी है, टैब जो स्केप सीक्वेंस होता है / t, और लूपिंग काम में लेनी है और प्रिंट एफ स्टेटमेंट काम में लेना है। तो इसके लिए हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, तो प्रोग्राम में इनिशियली एन की वैल्यू वन कर देते हैं, एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट देते हैं जिसमें एन टैब 10 स्टार एन, टैब 100 स्टार एन, टैब 1000 स्टार एन प्रिंट कर लेते हैं। ये फॉर्मेट कंट्रोल स्ट्रिंग है तो इसमें टैब के लिए टैब का स्पेस आ जाएगा, बाकी सब कुछ जैसा लिखा वैसा वैसा प्रिंट होगा। यहाँ पर तीन टैब स्टेट टैब काम में लिए हैं और बाद में न्यू लाइन काम में लिए हैं। बाद में हम रिपीटेशन स्टेटमेंट डालेंगे जिसमें व्हाइल एन लेस देन इक्वल टू 10 लिखेंगे और प्रिंट करेंगे एन की वैल्यू 10 स्टार एन, 100 स्टार एन और 1000 स्टार एन, और एन की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे, इससे हमें आउटपुट मिल जाएगा। राइट ए प्रोग्राम दैट यूटिलाइज लूपिंग टू प्रोड्यूस द फॉलोइंग टेबल ऑफ वेरिएबल्स, ये जो टेबल ऑफ वेरिएबल्स है पिछली बार जैसे मल्टीप्लाई किया था 10 से, इस बार 2 ऐड कर रहे हैं हर कॉलम में, सेकेंड थर्ड कॉलम में 4 ऐड कर रहे हैं, फोर्थ कॉलम में 6 ऐड कर रहे हैं, ये आउटपुट में भी यही वैल्यू जाननी चाहिए। तो इसके लिए प्रोग्राम लिखेंगे, यहाँ एक को इनिशियलाइज करेंगे 3 से क्योंकि फर्स्ट वैल्यू 3 है,
प्रिंट करेंगे ए ए प्लस टू ए प्लस फोर ए प्लस सिक्स और ए की वैल्यू 15 किससे कम या इसके बराबर है, 15 से कम या इसके बराबर है, तब तक चलेंगे। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। अब हमें क्या करना है, 10 नंबर रीड करने हैं, उन वो 10 के 10 पूरे नंबर नॉन नेगेटिव होने चाहिए, मतलब पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए या मिनिमम जीरो हो सकता है, और फिर ये छांटना है कि उन 10 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। इसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस ये रखनी है कि जो 1 से 10 तक काउंट करेगा उस वेरिएबल का नाम काउंटर रखना है। जो प्रोग्राम को रन करते समय यूजर द्वारा इनपुट में नंबर दिया जाएगा उसको नंबर में स्टोर करना है, और जो सबसे बड़ा नंबर मिलता है उसको लार्जेस्ट में स्टोर करना है। तो इसके लिए हम पहले कुछ सुडो कोड या एल्गोरिथम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लार्जेस्ट को जीरो कर देते हैं, हमें लार्जेस्ट छांटना है तो हम मिनिमम जो वैल्यू है वो लार्जेस्ट को दे देते हैं कि ये लार्जेस्ट इससे तो बड़ा ही होगा, शुरुआत में हमें कंपेयर करना है इसलिए शुरुआत में वैल्यू देना ज़रूरी है। बाद में सेट काउंटर इज इक्वल टू 1, काउंटर की वैल्यू 1 कर देते हैं। अब काउंटर को तब तक चलाते हैं, वाइल में डाल देते हैं जब तक कि उसकी वैल्यू 10 से कम या उसके बराबर नहीं हो जाती। हम नंबर को रीड करते हैं, फिर नंबर को कंपेयर करते हैं लार्जेस्ट के साथ, यदि नंबर लार्जेस्ट से बड़ा है तो लार्जेस्ट को नंबर असाइन कर देंगे, और ये लूप पूरा होने के बाद में बाहर प्रिंट कर देंगे लार्जेस्ट को। इसे कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो चार्ट बनाएं, तो फ्लो चार्ट में लार्जेस्ट इक्वल टू 10 0, काउंटर इक्वल टू 1, बाद में कंडीशन वाइल की काउंटर लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू होती है तो नंबर को रीड करो, काउंटर में 1 ऐड करो, फिर कंडीशन चेक करो नंबर ग्रेटर देन लार्जेस्ट, यदि नंबर लार्जेस्ट से बड़ा है ट्रू है तो लार्जेस्ट इक्वल टू नंबर कर दो, अन्यथा सीधा वापस लूप को कंटिन्यू करो, जो कंडीशन नो होती है लार्जेस्ट को प्रिंट कर दो, प्रोग्राम का एंड। अब इसे हम 1 by 1 देखते हैं। तो जो लार्जेस्ट इक्वल टू 0 काउंटर इक्वल टू 1 लिखा है फ्लो चार्ट में, इसके लिए सी प्रोग्राम में लिखेंगे लार्जेस्ट इक्वल टू 0 काउंटर इक्वल टू 1, काउंटर लेस देन इक्वल टू 10 लिखा है उसके लिए वाइल कंडीशन जो लगाएंगे वह है वाइल काउंटर लेस देन इक्वल टू 10, रीड नंबर के लिए स्कैन एफ में कन्वर्जन स्पेसिफाई परसेंटेज डी और एम परसेंट नंबर लिख देंगे, काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस 1 के लिए काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस 1 सेमीकोलन भी लिख सकते हैं या काउंटर प्लस प्लस सेमीकोलन भी लिख सकते हैं, नंबर ग्रेटर देन लार्जेस्ट इसके लिए इफ स्टेटमेंट इफ नंबर ग्रेटर देन लार्जेस्ट लिखेंगे, लार्जेस्ट इक्वल टू नंबर उसके लिए लार्जेस्ट इक्वल टू नंबर ही लिखेंगे, प्रिंट लार्जेस्ट के लिए प्रिंट लार्जेस्ट इक्वल टू परसेंट कन्वर्जन स्पेसिफाई परसेंटेज डी एंड लार्जेस्ट लिख देंगे, और इन सबको मिला के पूरा सी प्रोग्राम बनेगा वो ये होगा, जिसमें एडर फाइल इंक्लूड किया है, मेन फंक्शन है, 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, लार्जेस्ट नंबर एंड काउंटर, लार्जेस्ट को 0 कर दिया, काउंटर को 1 कर दिया, वाइल काउंटर इज लेस देन इक्वल टू 10 उसके ब्लॉक में लिख दिया, प्रिंट एफ गिव नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट नंबर को रीड करने के लिए स्कैन एफ स्टेटमेंट लिख दिया, काउंटर की वैल्यू इंक्रीज कर दी, इसी ब्लॉक के अंदर इफ स्टेटमेंट लिखा है नंबर इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट तो लार्जेस्ट इक्वल टू नंबर कर दिया और ब्लॉक खत्म हो गया, उसके बाद में लार्जेस्ट की वैल्यू प्रिंट के लिए प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिख दिया। इसको जब रन करते हैं तो ये प्रिंट करेगा जो यहाँ प्रिंट एफ स्टेटमेंट में है, कुछ वैल्यूज दी और आउटपुट चेक किया तो ये लार्जेस्ट 68 को इसने आउटपुट में दे दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फाइंड द टू लार्जेस्ट वैल्यूज। अब हमने 10 वैल्यूज रीड की, उनमें से सबसे बड़ी वैल्यू को छांट लिया, अब हमें करना है उसमें जो 2 सबसे बड़ी वैल्यूज हैं उनको छांटना है, नंबर सारे अलग अलग देंगे, सेम नंबर नहीं देंगे, मतलब
अब एक नंबर, पिछली बार एक नंबर छांटा था, अब उससे कम, सबसे बड़ा उससे कम, वो भी हमें अलग अलग छांटना है। तो हम कोई एक और वेरिएबल ले लेते हैं जिसका नाम सेकंड ले लेते हैं। पिछली एल्गोरिथम की तरह ही लार्जेस्ट को जीरो करते हैं, काउंटर को वन करते हैं, सेकंड को भी जीरो कर देते हैं। वाइल में काउंटर पे कंडीशन लगा देते हैं कि काउंटर शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10। बाद में नंबर रीड करते हैं। अब नंबर पे एक कंडीशन कि नंबर ग्रेटर लार्जेस्ट से बड़ा है तो नंबर को लार्जेस्ट की वैल्यू असाइन कर दो, और लार्जेस्ट की वैल्यू सेकंड को भी असाइन कर दो। मतलब लार्जेस्ट की जो पुरानी वैल्यू है वो सेकंड को असाइन कर दो, क्योंकि यहाँ पर तभी पहुँचेगा जब लार्जेस्ट की जो पुरानी वैल्यू है उससे बड़ा हमें कोई नंबर मिल गया है। तो लार्जेस्ट को तो चेंज करके नंबर कर रहे हैं, इसका मतलब लार्जेस्ट की पुरानी वैल्यू थी वो सेकंड की वैल्यू हो गई है। ये भी पॉसिबल है कि सारे नंबर घटते हुए क्रम में थे, डिसेंडिंग ऑर्डर में थे, तो उसमें क्या होगा, लार्जेस्ट को पहली वैल्यू असाइन हो चुकी है लेकिन सेकंड को तो अपने कोई वैल्यू असाइन नहीं की। तो उसको चेक करने के लिए इफ, इस इफ के साथ में हमें एल्स लगाना होगा, और हमें उसमें कंडीशन एल्स के साथ भी दूसरी कंडीशन लगाएंगे कि जो नंबर है वो सेकंड से बड़ा हो। अब पहली कंडीशन है वो लार्जेस्ट से बड़ा हो, लार्जेस्ट से बड़ा होगा तो इस एल्स में नहीं आएगा, लेकिन यदि वो लार्जेस्ट से बड़ा नहीं है तो यहाँ एल्स में आएगा, जिसमें हमने फिर से कंडीशन लगा दी कि नंबर सेकंड से बड़ा हो। तो यहाँ पर ये जो बचे हुए नंबर्स हैं उनके लिए ही चेक करेगा, और उसके बाद हम प्रिंट और सेकंड को हम प्रिंट कर देंगे। ये दो स्टेटमेंट हमने एक्स्ट्रा लिखे हैं, तो उनके लिए हम जो फ्लो चार्ट बनाएंगे उसमें ये एक्स्ट्रा डाल देंगे। जैसे यहाँ सेकंड इक्वल टू लार्जेस्ट डाल दिया, और उसके फॉल्स होने पर दूसरी कंडीशन और सेकंड इक्वल टू नंबर कर दिया। ये फ्लो चार्ट थोड़ा सा अलग है दिखने में, उसका कारण ये है कि स्क्रीन छोटी होने के कारण इसको कई भागों में बनाया गया। तो स्टार्ट बाद में लार्जेस्ट इक्वल टू जीरो, सेकंड इक्वल टू वो जीरो, काउंटर इक्वल्स टू वन ये लिख दिया। बाद में कंडीशन लगा दी काउंटर लेस देन इक्वल टू 10, यदि ट्रू है तो नंबर रीड करना है, काउंटर की वैल्यू इंक्रीज करनी है और बाद में ए पर चले जाना है। यदि ये फॉल्स होती है तो लार्जेस्ट और सेकंड को प्रिंट करना और प्रोग्राम का एंड हो जाएगा। अब ए पर क्या है वो देखते हैं। तो ए पर हमने लिखा है कि एक इफ स्टेटमेंट के लिए कंडीशन लिखी है, नंबर इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट है, ट्रू होती है तो सेकंड इक्वल टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट इक्वल टू नंबर और बी पर चला जाना है। फॉल्स है तो नंबर को सेकंड से कंपेयर करना है, वो ट्रू है तो सेकंड इक्वल टू नंबर, और वो गलत होता है तो बी पर चला जाना है। सही होता है तो सेकंड इक्वल टू नंबर करके बी पॉइंट पर जाना है, गलत होता है तो सीधा बी पर चला जाना है। और बी क्या है, तो बी जो व्हाइल स्टार्ट किया था उसके साथ रिपीटेशन को डिनोट कर रहा है। कोरस्पॉन्डिंग प्रोग्राम लिखे हैं, तो और तो सब कुछ वैसा ही रहेगा, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट लिखा है उसके लिए ये इफ स्टेटमेंट आ जाएगा, और पूरा प्रोग्राम इस तरह से हो जाएगा, जिसमें एक सेकंड नाम से वेरिएबल एक्स्ट्रा डिक्लेयर किया है, सेकंड की वैल्यू जीरो कर दी है, और इफ स्टेटमेंट में सेकंड इक्वल टू लार्जेस्ट लिख दिया है, एल्स इफ लगा दिया है जिसमें सेकंड इक्वल टू नंबर कर दिया है, और लास्ट में सेकंड को प्रिंट कर दिया है। इसको रन करने पर पिछली बार की तरह कुछ नंबर्स दिए, तो इसने लार्जेस्ट की वैल्यू प्रिंट कर दी और सेकंड लार्जेस्ट की भी प्रिंट कर दी। ये प्रोग्राम क्या करेगा जो यहाँ लिखा हुआ है, तो फिर हम वो टेक्निक अपनाते हैं कि आउटपुट किस जाता है। तो कोई आउटपुट देने वाला स्टेटमेंट होना चाहिए, यहाँ पर पुट्स स्टेटमेंट है, पुट्स या प्रिंट एफ ये आउटपुट देते हैं। पुट्स और प्रिंट एफ में इतना ही फर्क होता है, पुट्स में यदि सिर्फ प्रिंट एफ में कंट्रोल स्ट्रिंग दी जाए तो वो
उस कंट्रोल स्ट्रिंग के एंड में न्यू लाइन में नहीं जाता, पुट्स उसको न्यू लाइन में प्रिंट कर देता है, मतलब वो पूरी स्ट्रिंग प्रिंट होने के बाद न्यू लाइन में कर्सर चला जाता है। यहाँ पुट्स के अंदर सीधा स्ट्रिंग देने की बजाय यहाँ लिखा है काउंट परसेंटेज टू, काउंट परसेंटेज टू मतलब काउंट नाम का कोई वेरिएबल है उसका दो के साथ रिमाइंडर लेंगे, शेषफल देखेंगे, जो दो के साथ शेषफल देख रहे हैं तो वो भी सीधी सी बात है जीरो या वन होगा, और आगे क्वेश्चन मार्क कोलन ऑपरेटर काम में लिया। क्वेश्चन मार्क कोलन ऑपरेटर कुछ इफ एल्स की तरह होता है, तो यदि काउंट परसेंटेज टू की वैल्यू जीरो है तो पहली स्ट्रिंग यहाँ इनपुट में है, और इसकी वैल्यू यदि वन है काउंट परसेंटेज टू की तो दूसरी स्ट्रिंग इनपुट में है। मतलब काउंट की वैल्यू यदि इवन है, सम संख्या है, तो चार स्टार प्रिंट होंगे, और यदि काउंट की वैल्यू ऑड है, विषम संख्या है, तो काउंट परसेंटेज टू वन हो जाएगा, मतलब ये यस हो जाएगा, और ये सेकंड स्ट्रिंग है वो प्रिंट हो जाएगी जो कि एट टाइम्स प्लस 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 है। हम वाइल के अंदर हैं तो ये लूप चलेगा, काउंट की वैल्यू इनिशियली वन है, इनिशियली वन है तो इनिशियली ये कंडीशन यस होगी, यस होगी तो स्टार प्रिंट होंगे। नेक्स्ट बाद में काउंट की वैल्यू एक इंक्रीज हो रही है, काउंट की नेक्स्ट वैल्यू टू होगी जिसके लिए काउंट परसेंटेज टू जीरो हो जाएगा, और प्लस 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 प्रिंट हो जाएगा, और ये रिपीटेडली काउंट की वैल्यू जब तक कि 10 या इसके 10 से कम या इसके बराबर है तब तक प्रिंट हो जाएंगे। ये नया प्रोग्राम है, ये क्या आउटपुट में देगा? तो यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट है जो वाइल लूप के अंदर है, और एक पुट्स स्टेटमेंट है जिसमें कुछ भी नहीं लिखा, मतलब वो न्यू लाइन में जाने का काम करेगा। जो प्रिंट एफ स्टेटमेंट है वो उसमें लिखा है परसेंटेज एस, मतलब एक स्ट्रिंग प्रिंट होनी है, और वो स्ट्रिंग यहाँ से डिसाइड होगी, रो परसेंटेज टू की वैल्यू यदि जीरो है तो लेस देन का साइन प्रिंट होगा, रो परसेंटेज टू की वैल्यू वन है तो ग्रेटर देन का साइन, मतलब यदि रो की वैल्यू सम संख्या विषम संख्या है, विषम है ऑड नंबर है तो लेफ्ट एंगल ब्रेसेस प्रिंट होंगे, प्रिंट होगा, और यदि रो की वैल्यू इवन है, सम संख्या है, तो राइट एंगल ब्रैकेट प्रिंट होगा। और ये वाइल स्टेटमेंट के अंदर है जिसमें कॉलम लेस देन टेन इक्वल टू टेन है, कॉलम पे हम कंडीशन नहीं लगा रहे, मतलब एक साथ टेन दस ऐसे करेक्टर प्रिंट होंगे चाहे वो लेस देन हो या ग्रेटर देन हो। और वो एक और वाइल स्टेटमेंट के अंदर है जो रो से डिसाइड होगा, रो की इनिशियल वैल्यू हमने टेन लिया है और कम करते जा रहे हैं, तो इनिशियली रो की वैल्यू टेन है जो कि इवन है, इवन है तो पहले रो में 10 बार राइट एंगल ब्रेसेस प्रिंट होंगे, और बाद में लेफ्ट राइट एंड लेफ्ट राइट एंड सोन होते जाएंगे। ये दो ब्लॉक दिए गए हैं जिनमें कुछ इफ एल्स स्टेटमेंट हैं, कुछ पुट्स लिखा है, पुट्स मतलब कुछ स्ट्रिंग प्रिंट करनी है विच विल एंड एट ए न्यू लाइन, जो न्यू नई लाइन पे एंड होगी। तो यहाँ पर यदि एक्स की वैल्यू 9 है और वाई की वैल्यू 11 है तो इनका आउटपुट क्या होगा? एक्स की वैल्यू 11 और वाई की वैल्यू 9 है तो इनका आउटपुट क्या होगा? तो पहले हम इनमें इंडेंटेशन ठीक कर लेते हैं, मतलब जो भी लूप के अंदर है वो उतना राइट साइड में स्टार्ट हो, ये करके देखते हैं। तो पहले स्टेटमेंट में इफ के अंदर, इफ स्टेटमेंट के बाद में दूसरा इफ स्टेटमेंट है तो दो कुछ स्पेस लेफ्ट राइट में आ गया, पुट्स है जो उस इफ के अंदर है तो वो और राइट में आ गया, बाद में जस्ट एक स्टेटमेंट के बाद में एल्स है तो ये अंदर वाले इफ का ही एल्स है उसके बराबर लिख दिया, पुट्स उस एल्स के अंदर है तो उसको राइट में कर दिया, और यहाँ सेमीकोलन एंड होते ही इस इफ सारे इफ स्टेटमेंट्स का एंड हो जाता है तो पुट्स को पूरा लेफ्ट साइड में कर दिया। दूसरा पार्ट जो है उसमें भी
उसमें कुछ कर्ली ब्रेसेस लगे हुए थे, तो अकॉर्डिंगली इफ और पुट्स स्टेटमेंट है उनको शिफ्ट कर दिया है। अब हम पहला पार्ट लेते हैं, पहले पार्ट का आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ पर एक्स लेस देन 10, पहला स्टेटमेंट है एक्स लेस देन 10। अब यदि एक्स की वैल्यू हम 11 लेंगे तो ये इफ सेटिस्फाइड नहीं होगा, लेकिन एक्स की वैल्यू जब 9 लेंगे तो ये इफ सेटिस्फाई होगा। तो ये जो अंदर वाला इफ एल्स है उसका आउटपुट इस पर डिपेंड करेगा कि एक्स इक्वल टू 9 ले रहे हैं या 11। एक्स इक्वल टू 9 ले रहे हैं तो अंदर वाले को हम चेक करेंगे, एक्स इक्वल टू 11 ले रहे हैं तो अंदर वाले इफ एल्स को हम चेक नहीं करेंगे। मतलब वाई की वैल्यू क्या है मैटर नहीं करेगी यदि एक्स की वैल्यू 11 है। एक्स की वैल्यू 9 है उस समय अंदर वाली वैल्यू मैटर करेगी, उस समय अपने पास वाई की वैल्यू 11 है। एक्स की वैल्यू 9 है उस समय वाई की वैल्यू 11 है। वाई ग्रेटर देन 10 पर कंडीशन फुलफिल होती है स्टार्स प्रिंट करने की, और वाई की वैल्यू 11 है इसलिए कंडीशन यस हो रही है, मतलब ये स्टार्स प्रिंट करेगा। और नीचे वाला स्टेटमेंट जो डॉलर साइन प्रिंट कर रहा है वो किसी इफ एल्स के अंदर नहीं है तो वो हमेशा प्रिंट होगा। आउटपुट देखते हैं, तो आउटपुट एक्स इक्वल टू 9 एंड वाई इक्वल टू 11 के लिए पहले स्टार प्रिंट होंगे फिर डॉलर साइन प्रिंट होंगे। दूसरा है एक्स इक्वल टू 11 एंड वाई इक्वल टू 9 के लिए आउटपुट में सिर्फ डॉलर साइंस प्रिंट होंगे। अब दूसरे पार्ट को हम दूसरे ब्लॉक को देखते हैं जिसमें इफ के अंदर इफ था। यहाँ पर इफ एक्स लेस देन 10 तो वाई तो कुछ एक्शन समय लेने हैं। यदि एक्स लेस देन 10 नहीं है तो एल्स ये इस इफ के साथ जुड़ा हुआ है तो उसमें हमें कुछ और एक्शंस लेने हैं, और एक्शंस में कुछ हैश और डॉलर साइन प्रिंट करना है। तो अब या तो स्टार्स प्रिंट होंगे या हैश एंड डॉलर साइन प्रिंट होंगे, देखते हैं कब। तो जैसे एक्स की वैल्यू 9 है तब ऊपर वाली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, एक्स की वैल्यू 11 है तब कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, एल्स वाला काम हो जाएगा। मतलब एक्स की वैल्यू 11 लेंगे तब तो हैश और डॉलर साइन ही प्रिंट होंगे, लेकिन एक्स की वैल्यू यदि 9 है तो कंडीशन ट्रू होती है और हम वाई पर कंडीशन चेक करेंगे, वाई 11 है कंडीशन यस कहेगी और स्टार्स प्रिंट होंगे। मतलब हम एक्स की वैल्यू 9 और वाई इक्वल टू 11 लेते हैं तो स्टार्स प्रिंट होंगे और कुछ नहीं होगा। एक्स की वैल्यू 11 और वाई की वैल्यू 9 लेते हैं तो हैश और डॉलर साइन दोनों प्रिंट होंगे। क्वेश्चन है स्क्वायर ऑफ एसेट्रिक्स, स्टार जो करेक्टर है उनसे प्रिंट करना है एक स्क्वायर। यहाँ देखने में ये रेक्टेंगल जैसा आयत जैसा लग रहा है लेकिन हम नंबर ऑफ स्क्वायर से इसको स्क्वायर कह रहे हैं, नंबर ऑफ स्टार से स्क्वायर कह रहे हैं। जैसे हर रो में हर पंक्ति में 4 स्टार हैं ऊपर वाले में, और कॉलम इसका मतलब 4 कॉलम है और 4 ही पंक्तियाँ हैं। इसी तरह से दूसरे एग्जाम्पल में 7 कॉलम है और 7 ही पंक्तियाँ हैं, तो इसका एक प्रोग्राम लिखना है। तो कैसे लिखें, पहले हम इसके लिए एल्गोरिथम या सुडो कोड लिखते हैं। तो एक पहले हम स्टार कितनी साइज का बनाना है इसके लिए हम पढ़ें रीड करेंगे साइज नाम का वेरिएबल, जिसमें वो एक स्क्वायर की साइज क्या है, एक वर्ग जो बना रहे हैं उसकी कितनी साइज है, कितने स्टार्स का बनाना है, मतलब किसी पंक्ति में कितने स्टार होने चाहिए या किसी एक कॉलम में कितने स्टार होने चाहिए वो रीड करेंगे। एक डमी इंटीजर आई लेंगे जिसकी वैल्यू 1 कर देंगे, जब तक कि आई की वैल्यू साइज के बराबर या उससे कम हो तब तक ये एक लूप चलाएंगे, जिस लूप में फिर से एक डमी वेरिएबल लेंगे जिसको हमने यहाँ जे कहा है और उसकी वैल्यू 1 कर देंगे। फिर जो डमी वेरिएबल है उस जे है उस पर कंडीशन लगाएंगे कि वो भी साइज से कम या उसके बराबर हो तब तक चले, और इस यहाँ पर प्रिंट कर देंगे स्टार प्रिंट करेंगे। उसके बाद में जे की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, अंदर वाले वाइल के से बाहर निकलेंगे, बाद में एक न्यू लाइन प्रिंट करेंगे और इन आई की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे 1 से। फ्लो चार्ट बनाएं, तो
तो ये इसका फ्लो चार्ट होगा जिसमें साइज को रीड किया, इक्वल टू वन किया, आई पे कंडीशन लगा दी, कंडीशन ट्रू होने पर जे को इन की वैल्यू वन कर दी, जे को पर कंडीशन लगा दी वो ट्रू होने पर स्टार प्रिंट कर दिया, जे की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट कर दिया और ये लूप चलता रहेगा। ये लूप जो ही एंड होगा, मतलब जे की वैल्यू साइज के कम, साइज से लेस या इक्वल नहीं होगी तो नो होगा, नो होने पर एक न्यू लाइन में प्रिंट करेंगे, आई की वैल्यू इंक्रीज करेंगे और दूसरे वाले व्हाइल स्टेटमेंट से रिपीटेशन होता रहेगा और पूरा होने पर प्रोग्राम का एंड हो जाएगा। मतलब आई की वैल्यू साइज से जब तक कम है तब तक चलता रहेगा, आई की वैल्यू साइज के इक्वल साइज से बड़ी होते ही ये प्रोग्राम का एंड हो जाएगा। इसके लिए पूरा प्रोग्राम देखें तो इस तरह से पूरा प्रोग्राम होगा जिसमें एडर फाइल इंक्लूड की है, मेन फंक्शन है जिसमें आई जे और साइज वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, साइज स्क्वायर की साइज रीड की है, बाद में आई की वैल्यू वन कर दी, व्हाइल स्टेटमेंट में कंडीशन लगा दी, जे इक्वल टू वन कर दिया, जे पर कंडीशन लगा दी, स्टार को प्रिंट कर दिया, जे की वैल्यू इंक्रीज कर दी, लूप के बाहर आई की वैल्यू इंक्रीज कर दी, न्यू लाइन एस्केप सीक्वेंस प्रिंट कर दिया और उसके बाद में दूसरा लूप भी बंद कर दिया। इसका आउटपुट देखें तो यदि जैसे इनपुट 4 देते हैं तो 4x4 का स्क्वायर प्रिंट कर देता है, 7 देते हैं तो 7x7 का स्क्वायर प्रिंट कर देता है। होलो स्क्वायर ऑफ एस्ट्रिक्स स्टार से अब स्क्वायर को होलो करना है, मतलब अब साइड में स्टार प्रिंट होंगे, बीच में नहीं होने चाहिए। तो पुराने प्रोग्राम के एल्गोरिथम में ही हम या पुराने प्रोग्राम में ही हम कुछ चेंज करके देखते हैं, तो पुराने प्रोग्राम में हम यहाँ एक स्टार प्रिंट कर रहे थे, लेकिन अब ये स्टार कब प्रिंट करना है, जब पहला कॉलम हो या पहली रो हो या लास्ट कॉलम या लास्ट रो हो। तो उनके लिए हम क्या करें, तो कंडीशन लगा देते हैं, पहले कॉलम में आई की जे की वैल्यू हमेशा वन होती है, पहली रो में आई की वैल्यू वन होती है, पहले लास्ट कॉलम में जे की वैल्यू साइज के इक्वल होती है और लास्ट रो में आई की वैल्यू साइज के इक्वल होती है। तो ये चारों कंडीशन जब में से कोई भी एक सेटिस्फाई होती है तो स्टार प्रिंट हो, अदरवाइज स्पेस प्रिंट हो, तो ये प्रोग्राम एक होलो स्क्वायर को प्रिंट कर देगा। तो ये प्रोग्राम इस तरह से होगा जिसमें स्टार को सीधा प्रिंट करने की बजाय उसको इफ एल्स में डाल दिया है। और जब आउटपुट देखते हैं तो 4 पे एक 4x4 का स्क्वायर प्रिंट होता है, 7 पे 7x7 का एक स्क्वायर प्रिंट होता है। अब पैलिंड्रोम टेस्टर एक नंबर है, वो पैलिंड्रोम नंबर है या नहीं है ये चेक करते हैं। तो पहले पैलिंड्रोम नंबर होता क्या है, तो एक पैलिंड्रोम नंबर वो नंबर होता है, वो इंटीजर होता है, वो पॉजिटिव इंटीजर होता है जिसको राइट टू लेफ्ट पढ़ें या लेफ्ट टू राइट पढ़ें वो सेम रहेगा, बराबर रहेगा, तो उसको पैलिंड्रोम नंबर कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इनको किधर से ही पढ़ लो ये यही रहेंगे। टू डिजिट के जो नंबर्स हैं उन वो टोटल 9 नंबर्स हैं। हम यहाँ 10 बेस की बात कर रहे हैं, डेसिमल नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो उनमें 11, 22 जो भी 11 से डिवाइजेबल हैं वो पैलिंड्रोम नंबर होते हैं, क्योंकि उनको 1, 1 लेफ्ट से पढ़ें या राइट से वो सेम रहते हैं। 3 डिजिट के नंबर हैं उनमें कोई भी दो नंबर लिए तो नो पॉसिबिलिटीज़ हैं कोई भी दो नंबर लेने की 3 डिजिट के, जैसे 1, 1, 2, 2 और उनके बीच में कोई एक और वेरिएबल जो 0, 2, 9 मतलब 10 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, तो इस तरह से अपने पास टोटल 90 नंबर्स हो जाते हैं। तो 3 डिजिट के टोटल 90 पैलिंड्रोम नंबर्स हैं। इसी तरह से 4 डिजिट के देखे जाएं तो भी 90 रहेंगे, क्योंकि बीच वाला नंबर सेम करना पड़ेगा पैलिंड्रोम नंबर रखने के लिए। तो ये नंबर्स हैं, तो ये कैसे टेस्ट करें, तो इसके लिए हमें सिंपली पहले एक नंबर रीड करना पड़ेगा, उसको बाद में इन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब हम कोई भी नंबर जैसे 2, 3, 4 पढ़ा तो उसको 4, 3, 2 कर लें, इस तरह से करना पड़ेगा, और फिर पुराने नंबर के साथ उसको कंपेयर करना पड़ेगा। यदि दोनों सेम है तो वो पैलिंड्रोम नंबर है, यदि दोनों डिफरेंट हैं तो वो पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। लेकिन इन्वर्ट कैसे करें, तो इसके लिए हम कुछ और एल्गोरिथम को इंक्रीज करते हैं और इसको इस तरह से कर लेते हैं। एक नंबर रीड किया,
फिर हमने दो नंबर्स लिए, न्यू एन नाम का एक नंबर लिया, एक ओल्ड नाम का नंबर लिया। न्यू एन को जीरो साइन कर दिया, एक नया नंबर बनाएंगे जिसको न्यू एन कह रहा हूँ। ओल्ड जो नंबर रीड किया उसको मैं ओल्ड में को असाइन कर देता हूँ और ओल्ड में वो पुराना नंबर रख देता हूँ। बाद में एक लूपिंग स्टार्ट करता हूँ, वो लूपिंग तब तक चलाता हूँ जब तक कि नंबर की वैल्यू जीरो ना हो जाए। न्यू एन जो वेरिएबल लिया था उसको वो 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सिंस पहली बार वो जीरो है तो 10 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाद में रिमाइंडर लेता हूँ नंबर का, नंबर का रिमाइंडर, नंबर का शेषफल क्या होगा, उसका जो लेफ्ट साइड डिजिट होगी वो उसका रिमाइंडर होगा। 10 10 के साथ यदि रिमाइंडर लूँगा तो 10 का भाग देके शेषफल देखूँगा तो राइट साइड में जो डिजिट है वही उसका शेषफल होगा और वो मैं न्यू एन में ऐड कर दूँगा। अब जो नंबर है उसको 10 से डिवाइड कर दूंगा, 10 का भाग दे दूंगा तो लेफ्ट साइड वाली डिजिट खत्म हो जाएगी क्योंकि इंटीजर है तो इंटीजर ही रहेगा। अब ये लूप रिपीट होगा, एन नंबर की वैल्यू अब कम हो चुकी है, छोटी हो चुकी है, फिर से न्यू एन को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। मान लो पिछला नंबर 5 था तो अब ये 50 हो जाएगा और अब नंबर है उसका फिर से रिमाइंडर इसमें ऐड करूंगा और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि नंबर जीरो ना हो जाए। अब ये जो ही व्हाइल स्टेटमेंट एंड होगा तब तक नंबर का में जो भी डिजिट्स थी वो ऑपोजिट वे में न्यू एन में स्टोर हो चुकी हैं और नंबर की ओरिजिनल वैल्यू को ओल्ड में हमने स्टोर कर दिया था। तो व्हाइल के बाद में एक इफ एल्स लगाएंगे, यदि न्यू एन और ओल्ड सेम है तो वो नंबर पेलिनोम नंबर है, वो इक्वल है तो पेलिनोम नंबर है, वो इक्वल नहीं है तो ये पेलिनोम नंबर नहीं है। फ्लो चार्ट बनाए, तो फ्लो चार्ट में नंबर रीड किया, न्यू एन को जीरो साइन किया, ओल्ड इक्वल टू नंबर किया, कंडीशन नंबर इज नॉट इक्वल टू जीरो लगा दी, यदि नॉट इक्वल टू जीरो है तो न्यू एन को 10 से मल्टीप्लाई किया, न्यू एन में 10 नंबर डिवाइडेड बाय 10 का रिमाइंडर ऐड कर लिया और नंबर में 10 का भाग दे दिया और ये लूपिंग तब तक चलती रहेगी जब तक कि नंबर की वैल्यू जीरो नहीं हो जाती, जब तक कि जीरो नहीं है। बाद में यदि ये जीरो हो जाती है तो न्यू एन पे कंडीशन चेक कर लेंगे, यहाँ पर गलत लिख दिया, न्यू एन जीरो के इक्वल नहीं, न्यू एन ओल्ड के इक्वल होना चाहिए। इनको अब वन बाय वन लिखते हैं, तो रीड स्टेटमेंट को सी प्रोग्रामिंग में लिखेंगे स्कैन एफ, कन्वर्जन स्पेसिफायर परसेंटेज डी और नंबर को एड्रेस एम परसेंट नंबर। असाइनमेंट न्यू एन इक्वल टू जीरो एंड ओल्ड इक्वल टू नंबर को सेमीकोलन लगा के इसी तरह से लिख देंगे, नंबर नॉट इक्वल टू जीरो को वाइल स्टेटमेंट को वाइल में लिख देंगे, रिपीटेशन वाले जो भी स्टेटमेंट्स हैं उनको सेमीकोलन लगा के लिख देंगे। या रिमाइंडर के लिए सी प्रोग्रामिंग परसेंटेज ऑपरेटर काम में लिया जाता है तो परसेंटेज ऑपरेटर काम में ले लिया और बाद में यहाँ पर गलती से फ्लो चार्ट में न्यू नॉट इक्वल टू जीरो रह गया है, इसको ओल्ड पढ़ें, जीरो की बजाय ओल्ड पढ़ें, न्यू इक्वल टू ओल्ड। यदि कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो पेलिनोम नंबर है ऐसा प्रिंट कर दे, नहीं होती है तो पेलिनोम नंबर नहीं है ऐसा प्रिंट कर दे। सी प्रोग्राम पूरा एक साथ लिखें तो इस तरह से सी प्रोग्राम बन जाता है जिसमें वाइल स्टेटमेंट है जो नंबर को इन्वर्ट करने का काम कर रहा है और बाद में ओल्ड और न्यू नंबर की कंपेरिजन कर रहे हैं और कॉरस्पॉन्डिंगली प्रिंट कर रहे हैं। ये प्रोग्राम को थोड़ा कम लाइनों में लिख दिया बिना कमेंट्स के। कोई नंबर है उसके डेसिमल नंबर है उसके इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर प्रिंट करना है तो पहले हम डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये देख लेते हैं। तो डेसिमल नंबर क्या होता है, जैसे हमने एक नंबर लिया रामानुज आरडी नंबर 1729, तो 1729 क्या है, तो 1729 को इस तरह से देख सकते हैं, 1729 में लेफ्ट साइड में 9 है, इसको 10th पावर 0 से मल्टीप्लाई कर दें, बाद में सेकंड नंबर 2 है उसको 10th पावर 1 से कर दें, बाद वाला नंबर 7 है उसको 10th पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दें और बाद वाला 1 है उसको 10th पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दें। 10 की बढ़ती हुई घात के रूप में इनको लेफ्ट टू राइट बाएं से दाएं जाते हुए मल्टीप्लाई करते जाएं और फिर सबको जोड़ दें तो वो नंबर बन जाता है, ये डेसिमल नंबर की पहचान होती है। तो इसी तरह इनको कलर्स के साथ देखें तो जैसे पहला नंबर रेड नंबर लिख दिया, दूसरा ग्रीन में लिख दिया, तीसरा पिंक में लिख दिया, चौथा ऑरेंज में लिख दिया
और इस तरह से हम समझ सकते हैं। बाद में डेसिमल नंबर है उनको देखें तो उनका बेस 10 होता है, मतलब 0 to 9, उसके बाद में 10 आता है, उसके बाद में 11 एंड सो ऑन चलता है। और इसमें जो राइट मोस्ट नंबर होता है, जो दाईं तरफ जो नंबर है, उसमें 10 की पावर बढ़ाते जाएं तो पूरा नंबर बन जाता है। इसी तरह से हम बेस 2 की बात करें, बेस 2 मतलब 0 1, उसके बाद में अगला नंबर 10 हो जाएगा, तो उसको भी इसी तरह समझें। तो जैसे पिछली बार 10 तो 10 की घात बढ़ाते जा रहे थे, उसी तरह से इस बार 2 की घात बढ़ाते जाएंगे और हम नंबर बना लेंगे। और इस तरह से हम ओपोजिटली कर सकते हैं कि जैसे 25 है तो 25 को हम 12 टाइम्स 2 लिख प्लस 1 लिख सकते हैं, रिमाइंडर 1 उसको लिख लिया, बाद में जो भागफल 12 मिला था उसमें उसको 6 टाइम्स 2 प्लस 0 लिख सकते हैं, और जो भी भागफल आ रहा है उसको दाईं तरफ लिखते जाएं। और फिर उनको जो सबसे पहला भागफल आया था उसको राइट साइड में, सबके राइट साइड में, और सबके बाद वाला जो शेष फल आया था उसको सबके लेफ्ट साइड में लिख दें। यहाँ देखें 25 है, उसको हमने लिखा 12 टाइम्स 2 प्लस 1, मतलब इस 25 में 2 का भाग देने पर 12 बार भाग गया और एक शेष फल आ गया, शेष फल को हमने सबसे राइट में लिख लिया। उसके बाद में जो भाग फल था 12, उसमें 2 का भाग दिया, 6 बार भाग गया, 0 शेष फल बचा, उसको 0 को बाद में सेकंड नंबर पे राइट साइड से मतलब दाई तरफ से दूसरे नंबर पे लिख लिया। बाद में 6 में 2 का भाग दिया तो 3 बार भाग फल और 3 भाग फल और 0 शेष शून्य शेष फल तो वो लिख लिया। उसके बाद में 3 में 2 का भाग दिया तो 1 भाग फल और 1 शेष फल वो 1 लिख लिया। बाद में 1 में 2 का भाग दिया तो 0 भागफल और 1 शेष फल, 1 शेष फल लिख लिया। आगे भागफल और शेष फल दोनों 0 रहेंगे तो वो लेफ्ट साइड में लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर वही तरीका पहले वाला 10 बेस वाला था, उस साइड 2 बेस वाला रहेगा। इसके लिए अब हम कन्वर्जन की बात करें तो एक पहले बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो एक बाइनरी नंबर को रीड किया, एक जैसे bnum नाम से एक वेरिएबल बाइनरी नंबर bnum नाम से वेरिएबल रीड कर लिया, एक डेसिमल नंबर dnum नाम से लिया और उसकी वैल्यू 0 सेट कर दी, 0 कर दी। एक फैक्टर नाम का एक नया वेरिएबल काम में लिया जिसको 1 सेट कर दिया, उसको 1 कर दिया है। ये क्यों किया है ये आगे समझ में आएगा। वाइल bnum इज नॉट इक्वल टू 0, bnum की वैल्यू जब तक 0 नहीं होती तब तक ये लूप चलता रहे, असाइन रिमाइंडर ऑफ bnum बाई 10 टू rem। rem नाम से एक वेरिएबल लिया है, उसको bnum में 10 का भाग देने पर जो रिमाइंडर आता है वो असाइन कर दिया। यहाँ 10 का भाग इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो वे ऑफ राइटिंग है वो कंप्यूटर में डेसिमल नंबर के रूप में लिख रहा हूँ, अन्यथा बाइनरी नंबर में 2 का भाग देना होता है। जो रिमाइंडर की वैल्यू आती है उसको फैक्टर से मल्टीप्लाई करके dnum में ऐड कर दो। फैक्टर से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि जो भी नेक्स्ट नंबर आएगा उसको लेफ्ट साइड में ऐड करना है, और फैक्टर की वैल्यू प्रेजेंटली 1 है तो सबसे पहला नंबर राइट साइड में ऐड होगा, बाद वाले नंबर लेफ्ट साइड में ऐड करने हैं। और बाद में bnum है उसको 10 से डिवाइड कर दो, मतलब लेफ्ट साइड की जो वैल्यू उसको हटा दो और फैक्टर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और बाद में dnum को प्रिंट कर दो। यदि फ्लो चार्ट बनाएं तो सिंपली जैसे एल्गोरिथम वैसा ही फ्लो चार्ट, रीड bnum dnum इक्वल टू 0, फैक्टर इक्वल टू 1, bnum इज नॉट इक्वल टू 0, ट्रू है तो रिमाइंडर इक्वल टू rem bnum बाय 10, bnum में 10 का भाग देने पर जो रिमाइंडर आता है वो प्रिंट दे दो, dnum इक्वल टू dnum प्लस rem स्टार फैक्टर कर दो, फैक्टर इक्वल टू फैक्टर स्टार 2, और कंडीशन यदि फॉल्स हो जाती है तो dnum को प्रिंट कर दो, प्रोग्राम का एंड हो जाएगा। अब इसी फ्लो चार्ट से यदि प्रोग्राम के पार्ट्स को समझें तो bnum रीड करने के लिए इसी प्रोग्रामिंग लिखते हैं scanf,
असाइनमेंट ऑलमोस्ट वैसा ही रहता है। कंडीशन यहाँ ये रिपीटेटिव कंडीशन है, इसलिए व्हाइल बी नम नॉट इक्वल टू जीरो, कंडीशन ट्रू होती है तो जो स्टेटमेंट्स लिखे हैं उनको उस तरह से रिमाइंडर के लिए परसेंटेज काम में लेते हैं इसी प्रोग्रामिंग में। और उसके बाद में जो प्रिंट स्टेटमेंट है डीनम, उसको प्रिंट एफ में सी प्रोग्राम में प्रिंट एफ में कन्वर्जन स्पेसिफायर परसेंटेज डी के साथ में लिख दिया। उसके बाद में हम नेक्स्ट प्रोग्राम लिख, ये पूरा प्रोग्राम एक साथ लिखते हैं, तो ये प्रोग्राम हो गया जिसमें बाय स्टीडियो एस टी डी आई ओ डॉट एच एडर फाइल इंक्लूड किया है, इंटीजर के रूप में बीनम डीनम बीनम को डिक्लेयर किया है, डीनम को डिक्लेयर किया और वैल्यू जीरो कर दिया, फैक्टर को डिक्लेयर करके वैल्यू वन कर दी। बाद में बीनम को रीड कर लिया, बीनम पे कंडीशन लगा दी, यदि जब तक ये जीरो नहीं हो जाता तब तक डीनम इक्वल टू बीन जो बाइनरी नंबर है उसका 10 के साथ रिमाइंडर लेके जो फैक्टर से मल्टीप्लाई करके डीनम में ऐड कर दें, जो बाइनरी नंबर है उसको 10 से डिवाइड कर दें, फैक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और लूप ख़त्म होने के बाद डेसिमल नंबर जो बनता है उसको प्रिंट कर दें। इसका ये एक ऑपोजिट सा काम है, बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। तो यहाँ पर कुछ एक चेंजेस कर रहे हैं हम, जो एक तो बी यहाँ शुरुआत में बीनम को डिक्लेयर किया था, उसकी जगह डेसिमल टू बाइनरी करने पर बीनम को जीरो डिक्लेयर करेंगे, डीनम को रीड पिछली बार बीनम बाइनरी नंबर को किया था उसकी जगह डेसिमल नंबर को रीड करेंगे, और पिछली बार कंडीशन बाइनरी नंबर पर लगाई थी वो डेसिमल नंबर पर लगाएंगे। और यहाँ फैक्टर जो काम में लिया था उस समय 10 से डिवाइड किया था, इस बार जो रिमाइंडर लेंगे वो 2 के साथ लेंगे क्योंकि बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। और फैक्टर डीनम को डिवाइड पिछली बार 10 से किया था बीनम को, इस बार डीनम को 2 से डिवाइड करेंगे, और फैक्टर है वो पिछली बार 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, इस बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और बीनम को प्रिंट कर देंगे। अपना कंप्यूटर कितना फास्ट है ये चेक करने का एक ईजी सा तरीका। नॉर्मली कंप्यूटर इतना फास्ट होता है कि हम कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हैं उसको प्रिंट कर रहे हैं तो हम पलक नहीं झपकते उससे पहले उसका आउटपुट अपने सामने होता है। लेकिन सब कुछ इतना फास्ट होता है, इसको मेजर करने के कई टूल्स हैं, कई सी प्रोग्रामिंग में भी कई तरीके हैं जिनसे वो टाइम मेजर करके बता देता है कि इतना टाइम आपके प्रोग्राम को लगा रन होने में। लेकिन सिंपली हम ऐसे टूल्स को सीखें उससे पहले क्या चेक कर सकते हैं, तो यस हम कुछ आइडिया ले सकते हैं, कुछ अनुमान लगा सकते हैं। और वो अनुमान क्या है, तो उसके लिए एक प्रोग्राम लिखना है, कुछ वेरिएबल्स प्रिंट करने हैं, जो कुछ प्रिंट करना है वो किस तरह से प्रिंट करना है, तो वो है एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखें, उसमें एक बहुत बड़ी लूपिंग लगा देते हैं जिसको लूपिंग में बहुत टाइम लगे ऐसा कुछ लगा देते हैं, उसमें से कुछ एक नंबर प्रिंट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम एक व्हाइल लूप लगाते हैं जो 0 से 1 बिलियन तक चले, 1 बिलियन मतलब ये लगभग 1 अरब हो गया, मतलब ये हो गया कई दहाई सैकड़ों हजार 10,00,000,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 
मिलियन मतलब 10 लाख होता है, बिलियन मतलब 1 अरब। तो 1 अरब बार लूप चलेगा और हर 10 करोड़वें नंबर को वो प्रिंट करेगा, ऐसा एक प्रोग्राम लिखते हैं। तो जब वो 10 करोड़ लूपिंग कर लेगा, उसके बाद वो एक प्रिंट स्टेटमेंट देगा, बाद में 10 करोड़ प्रिंट लूपिंग करते ही फिर प्रिंट स्टेटमेंट देगा, तो हमें इतना एक अनुमान हो जाएगा कि 10 करोड़ लूपिंग वो कितने टाइम में करेगा। प्रोग्राम लिखे हैं तो प्रोग्राम में सिंपल प्रोग्राम है, एडर फाइल इंक्लूड की, मेन फंक्शन के अंदर काउंट काउंट नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसकी वैल्यू 1 कर दी, कंडीशन लगा दी काउंट की वैल्यू 1 बिलियन मतलब 1 अरब से कम है तब तक ये लूप चले, और फिर
काउंट में यदि 10 करोड़ का भाग जाता है तो ये काउंट को प्रिंट कर दे, काउंट की वैल्यू एक एक इंक्रीज कर रहे हैं। इसको जब रन कर कंपाइल करेंगे बाद में जब रन करेंगे तो रन करने पर ये हमें अपनी स्पीड बता देगा। हम रन करके देख लेते हैं तो हम प्रोग्राम लिखते हैं ये प्रोग्राम लिख लिया हमने स्पीड डॉट सी से, जिसमें जैसा दिखाया था थोड़ी देर पहले वैसा ही प्रोग्राम है। काउंट पे कंडीशन है, यहाँ थोड़ी सी चेंज कर दिया, कंडीशन लेस देन इक्वल टू कर दिए और काउंट। अब इसको हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, gcc माइनस ओ स्पीड स्पीड डॉट सी, एंटर, ये हो गया कंपाइल। रन करते हैं तो रन करने पर ये इतना धीरे चल रहा है, लगभग इसको 3-4 सेकंड का टाइम ये 10 नंबर प्रिंट करने में लग गया। मतलब 1 अरब नंबर की सिर्फ लूपिंग में इसको 3 या 4 सेकंड का टाइम लग रहा है। मतलब 1 सेकंड में ये लगभग 30 करोड़ लूपिंग कर रहा है, सिर्फ लूपिंग। एक काउंट स्टेटमेंट दिया था, यदि स्टेटमेंट्स ज़्यादा देंगे तो इसको लूपिंग में कुछ ज़्यादा वक्त लगेगा, कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा। कोई नंबर दिया है उसमें कितने, कोई स्पेशल डिजिट काउंट करना चाह रहे हैं हम, तो वो कैसे करें, एक प्रोग्राम लिखना है। जैसे एक नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, इसमें 5 है वो कितनी बार आ रहा है, तो इसमें सारे जो डिजिट्स हैं वो एक एक बार ही आ रहे हैं, इसलिए 5 एक बार ही आ रहा है। दूसरा नंबर लिया 4 1 3 5 4 1, इसमें 4 कितनी बार आ रहा है, तो यहाँ 4 2 टाइम्स आ रहा है, 4 है वो 2 बार आ रहा है। दूसरे बार इसी नंबर में यदि 1 को देखें तो वो भी 2 बार आ रहा है। तो इस तरह से एक प्रोग्राम लिखें जो ये काउंटिंग कर सके। इसका तरीका है, पहले नंबर को रीड करें, डिजिट को रीड करें, उसके बाद में काउंट नाम का एक वेरिएबल लें जिसको 0 असाइन कर दें, एक व्हाइल रिपीटेशन स्टेटमेंट लगाते हैं, वो तब तक चलता है जब तक कि नंबर की वैल्यू 0 ना हो जाए, और जो भी नंबर है उसका 10 के साथ 10 के साथ रिमाइंडर लेंगे, जो उसकी लेफ्ट राइट मोस्ट डिजिट होगी वो बताएगा, और जो दाईं तरफ जो डिजिट है इकाई का अंक जो है उसको बताएगा, और काउंट की वैल्यू को यदि वो नंबर अपनी डिजिट के बराबर है, डिजिट के इक्वल है, तो काउंट की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट कर देगा। इस तरह से लूप एंड होने पर हमें उस डिजिट के रिपीटेशन का पता चल जाएगा, और इस तरह से हम प्रिंट काउंट को प्रिंट करके ये पता कर सकते हैं। फ्लो चार्ट बनाएं, तो फ्लो चार्ट में नंबर और डिजिट को रीड किया, काउंट इक्वल टू 0 किया, नंबर जब तक 0 नहीं है तब तक रिमाइंडर कैलकुलेट किया, रिमाइंडर को डिजिट से कंपेयर किया, यदि यस है तो काउंट की वैल्यू एक इंक्रीज की, और नंबर में 10 का भाग दिया, और प्रोसेस रिपीट करते गए, लास्ट में प्रिंट को काउंट कर दिया। प्रोग्राम लिखें तो रीड स्टेटमेंट के लिए 2 scanf स्टेटमेंट लिख दिए, जिसमें एक बार नंबर को रीड कर रहे हैं, दूसरी बार डिजिट को प्रिंट रीड कर रहे हैं, काउंट की वैल्यू 0 ऑलमोस्ट वैसा ही रहेगा, कंडीशन ये लूपिंग वाली कंडीशन है इसलिए इसको वाइल में लिख दिया, वाइल नंबर इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन यस कहती है तो रिमाइंडर निकालने के लिए इसी प्रोग्राम में परसेंटेज काम में लेते हैं, तो नंबर इक्वल नंबर परसेंटेज 10, और उसको कंपेयर कर दिया डिजिट के साथ, यदि कंडीशन यस है तो काउंट
इक्वल टू काउंट प्लस वन सेमी कॉलन, या काउंट प्लस प्लस लिख सकते हैं इसी प्रोग्रामिंग में, नंबर इक्वल टू नंबर बाई टेन को नंबर स्लेस इक्वल टू टेन लिख सकते हैं, और जो काउंट प्रिंट करना है उसको प्रिंट स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, और पूरा प्रोग्राम एक साथ लिखें तो ये पूरा प्रोग्राम बनता है। नंबर जिसमें एडर फाइल इंक्लूड किया है, मेन फंक्शन के अंदर नंबर डिजिट काउंट को डिक्लेयर किया, काउंट की वैल्यू जीरो कर दी, नंबर को रीड किया, डिजिट को रीड किया, व्हाइल स्टेटमेंट में नंबर पे कंडीशन लगा दी, नंबर की वैल्यू जब तक जीरो नहीं होती है तब तक ये रिपीट होता रहे, नंबर में का 10 के साथ रिमाइंडर लिया, यदि वो डिजिट के बराबर है तो काउंट की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट कर लिया, नंबर में 10 का भाग दे दिया और बाद में काउंट को प्रिंट कर दिया। चेकर बोर्ड पैटर्न ऑफ एस्ट्रिक्स, जो स्टार करेक्टर जो है उसे चेक बॉक्स बनाना है, ये पैटर्न हमें समझना है और ये बनाना है, जिसमें 8 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, 8 स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं और 8 सी कॉलम्स हैं और 8 सी रोज हैं, 8 ही रो हैं, 8 ही पंक्तियां हैं और 8 ही कॉलम हैं, 8 ही स्तंभ हैं। तो इसके लिए हम क्या करें, तो इसको पहले समझते हैं, उसमें सब लाइन्स हैं उनको प्रिंटएफ स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। सबसे पहला तरीका, सब लाइन्स को प्रिंटएफ स्टेटमेंट में लिख दिया और एंड में सबके बैक स्लैश साइन लगा दिया, सब नई लाइन्स में प्रिंट होंगी। लेकिन हम ऐसा तो बहुत पहले कर चुके हैं, इसलिए अब हम नई कंडीशन ऐड कर देते हैं कि इस तरह के स्टेटमेंट्स काम में लेने हैं, ये तीन प्रिंटएफ स्टेटमेंट काम में लेने हैं, जिनमें पहला परसेंटेज एक परसेंटेज एस कन्वर्जन स्पेसिफायर, मतलब एक स्ट्रिंग प्रिंट करेगा और स्ट्रिंग के रूप में स्टार और स्पेस प्रिंट होगा, दूसरे में सिर्फ स्पेस प्रिंट होगा, और तीसरा प्रिंट टाइप स्टेटमेंट है जो न्यू लाइन प्रिंट करेगा, पुट्स लिख दिया जो ऑटोमेटिकली न्यू लाइन प्रिंट कर देगा। ये एक एक बार ही तीनों काम में लेना है और ये लेफ्ट साइड में जो लिखा है पैटर्न दिया हुआ है वैसा प्रिंट हो जाए। तो इसके लिए हमें रिपीटेशन स्टेटमेंट्स को काम में लेना पड़ेगा और वाहिल रिपीटेशन स्टेटमेंट को काम में लेंगे, क्योंकि 8x8 का है तो टोटल 64 टाइम्स काम ये लेंगे, जिसमें पहला प्रिंट एफ स्टेटमेंट है जिसमें स्टार और स्पेस प्रिंट कर देंगे, स्टार हर स्टार के बाद में स्पेस आ जाएगा और आई की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे, यदि आई में 8 का भाग जाता है तो न्यू लाइन में चले जाएंगे, और न्यू लाइन में जाएंगे उसमें भी यदि लाइन नंबर जैसे इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, फोर्थ कहें, तो जो इवन नंबर ऑफ लाइन्स हैं उनमें पहले स्पेस से स्टार्टिंग होनी चाहिए तो स्पेस प्रिंट करना होगा। 8वें पे न्यू लाइन में जा रहे हैं तो 16 में, यदि आई में 16 का भाग जाता है तो स्पेस प्रिंट नहीं करेंगे, नहीं जाता है तो कर देंगे, और इससे हमें ये आउटपुट मिल जाएगा। यहाँ पर स्टार और उसके बाद में स्पेस जहाँ कहीं भी प्रिंट हो रहा है वो इस प्रिंट टाइप स्टेटमेंट से हो रहा है, और जो भी आगे न्यू लाइन में जा रहा है हर लाइन के बाद में कर्सर नई लाइन में जा रहा है वो पुट्स से जा रहा है, और हर लाइन के शुरुआत में, कुछ लाइंस के शुरुआत में स्पेस आ रहा है स्टार की जगह, वो इस प्रिंट टाइप स्टेटमेंट से आ रहा है। एक इन्फिनाइट लूप बनाना है जो दो के मल्टीप्लायर्स को प्रिंट करे, जैसे 2 प्रिंट कर दिया, उसके बाद में 4 प्रिंट कर दिया, 8 प्रिंट कर दिया, 16 कर दिया, 32 कर दिया, एंड सो ऑन किए जाए। फ्लो चार्ट बनाते हैं, इस फ्लो चार्ट में नो नहीं होगा, कंडीशन यस होगी, ट्रू होगी हमेशा, आई की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई किया, प्रिंट कर दिया और ये इनफाइनाइट लूप बन गया, क्योंकि इसमें कंडीशन कभी नो नहीं होगी तो ये लूपिंग होती रहेगी। प्रोग्राम लिखें तो ये प्रोग्राम हो जाएगा, जिसमें एडर फाइल इंक्लूड की, मेन के अंदर आई को डिक्लेयर करके वैल्यू 1 कर दी, वाइल में कंडीशन की जगह 1 लिख दिया, 1 मतलब ऑलवेज यस, 0 के अलावा कुछ भी, कोई भी एक्सप्रेशन लिखेंगे जिसकी वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी और होती है तो वो हमेशा ट्रू होगा, और आई को 2 से मल्टीप्लाई किया और आई को प्रिंट कर दिया। हम एक बार इसको रन करके देखते हैं, तो पहले एक प्रोग्राम लिखते हैं जो एक इन्फिनिटी लूप बनाता है।
ये प्रोग्राम हमने लिख दिया जिसमें हेडर फाइल इंक्लूड किया, मेन के अंदर आई इक्वल टू वन कर दिया, वाइल में वन लिख दिया और आई को दो से मल्टीप्लाई किया, प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया। अब इसको कंपाइल और रन करके देखते हैं। इन्फिनिटी डॉट सी ये कंपाइल किया, रन किया, ये क्या, ये तो स्टॉप करना पड़ेगा, इसको तो फोर्सफुली स्टॉप करना पड़ेगा, ये तो 0 0 0 प्रिंट कर रहा है। चलो इसको समझते हैं, ये 0 0 0 प्रिंट कर रहा है, क्यों कर रहा है इसको थोड़ा समझते हैं। पहले इसको 0 पे स्टॉप करके देखते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा। तो इनफाइनाइट लूप होने पर हमें कुछ डिजिट्स प्रिंट हुई हैं, उसके बाद में 0 0 0 प्रिंट होता दिख रहा है। और अब इन जीरोज को समझने के लिए हम इस ट्रू कंडीशन के साथ एक फॉल्स कंडीशन चेंज कर देते हैं और कंडीशन कर देते हैं कि आई नॉट इक्वल टू जीरो। आई को प्रिंट कर रहे हैं तो आई की वैल्यू जब तक जीरो है तब तक प्रिंट, जीरो नहीं है तब तक ही प्रिंट करे, जीरो होते ही ये प्रोग्राम का एंड हो जाए। वाइल में जो वन लिखा था उसकी जगह आई नॉट इक्वल टू जीरो लिख देते हैं। इसको प्रोग्राम को भी ऐसे ही रन करके देखते हैं। तो इसमें लिखते हैं, तो ये लिख दिया, इसको कमेंट कर देते हैं, वाइल स्टेटमेंट है उसको चेंज कर दिया, पहले वन लिखा हुआ था उसकी जगह आई नॉट इक्वल टू जीरो लिख दिया। इसको सेव करते हैं, स्क्रीन को क्लियर करते हैं, कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। ये क्या, ये तो कुछ एक वैल्यू प्रिंट हुई है। चलो समझते हैं, यहाँ पर 248 ही मल्टीप्लाई होता जा रहा है, 2 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है, मल्टीप्लाई ये नंबर है, उसके बाद में 268 ये नंबर है, उसके बाद में ये नंबर है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आ गया, ये लास्ट नंबर है 10737418 24। और नेक्स्ट नंबर जो आया है वो इसका डबल तो है लेकिन नेगेटिव साइन आ गया साथ में, नेगेटिव साइन आ गया है साथ में, वैल्यू तो डबल हुई है लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, और उसके बाद जीरो प्रिंट हो गया है। आगे ये दो जीरो को तो दो से मल्टीप्लाई करने पर वो जीरो ही रहेगा। और ये नेगेटिव नंबर जो है ये यदि ध्यान से देखें, पुराने नंबर्स को याद करें, तो हमने एक वीडियो ब्लॉग में डिस्कस किया था कि जो इंटीजर्स हैं उनमें मिनिमम वैल्यू क्या प्रिंट होगी, वो मिनिमम वैल्यू ये है। उसमें मैक्सिमम वैल्यू भी देखी थी जो इससे एक कम थी, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू ये थी, तो वो प्रिंट हो गई। तो यहाँ तक ये वैल्यू सही प्रिंट होती है, आगे ये सही प्रिंट नहीं हो रही है। चलो ठीक है, देखते हैं, ये आउटपुट है, डायमीटर सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ ए सर्किल। एक सर्किल है, एक वृत्त है, उसका व्यास, परिधि और क्षेत्रफल ये कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमें पाई की वैल्यू चाहिए, क्योंकि जो फॉर्मूलाज हैं डायमीटर का 2 times r, जो रेडियस है, त्रिज्या है, उसका 2 गुना होता है व्यास, परिधि है वो 2π गुना होती है, 2π से गुणा कर त्रिज्या को गुणा करने पर आती है, और क्षेत्रफल त्रिज्या का स्क्वायर करके उसको पाई से गुणा करने पर आता है। तो हमें पाई की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो पाई की वैल्यू 3.141593.14159 ये ले लेनी है। प्रोग्राम लिखें तो ये बहुत आसान प्रोग्राम है, डिफाइन पाई इक्वल टू 3.14159 कर दिया। इसी जगह डिफाइन की जगह हम यहाँ फ्लोट भी लिख सकते हैं, फ्लोट पाई, ये फिर यहाँ इक्वल का साइन लगाना पड़ेगा और लास्ट में सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। आर डी और सी, आर डी सी ए को डिक्लेयर किया, आर रेडियस के लिए, त्रिज्या के लिए, डी डायमीटर व्यास के लिए लिया है, सी सर्कमफेरेंस मतलब परिधि के लिए काम में लिया है, ए एरिया मतलब क्षेत्रफल के लिए काम में लिया है। रेडियस त्रिज्या की वैल्यू रीड करते हैं, पढ़ते हैं, बाद में डी डायमीटर निकालते हैं, तो डायमीटर रेडियस का 2 गुना होता है, 2 star r कर देते हैं, सर्कमफेरेंस 2π r होती है, तो
दो और पाई, पाई ऊपर जो डिफाइन किया था उससे मल्टीप्लाई करते हैं और उसको आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई ऊपर के लिख रखा है, पाई को आर से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पाई आर स्क्वायर हो जाता है। तीनों को प्रिंट कर देते हैं, बहुत ही आसान प्रोग्राम है। साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, एक त्रिभुज लेना है और उस त्रिभुज को काम में लेना है और बताना है कि जो त्रिभुज हमने काम में लिया है ये मतलब कुछ उसकी भुजाएं हैं, जो उसकी आर्म्स हैं, जो उसकी साइड्स हैं, उनको रीड करना है उनकी वैल्यू को और बताना है कि वो साइड्स ट्राइंगल की हैं या नहीं है। तो उसकी क्या कंडीशन होती है? उसकी कंडीशन होती है ट्राइंगल की किन्हीं भी दो भुजाओं को जोड़ो तो तीसरी भुजा से बड़ी हो जाती है उसकी वैल्यू, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग से ज़्यादा होता है, तीसरी भुजा के मान से ज़्यादा होता है। मतलब एडिशन ऑफ एनी ऑफ द टू आर्म्स टू साइड्स इज लार्जर देन थर्ड साइड, ये त्रिभुज की कंडीशन होती है। प्रोग्राम लिखते हैं, तो ए बी सी और एम को डिक्लेयर किया प्रोग्राम में, जिसमें ए बी सी ट्राइंगल की भुजाएं हैं और एम उनमें मैक्सिमम कौन है वो है, नहीं एम कोई नया एक डमी वेरिएबल काम में लिया जो कैलकुलेट करूँगा। ए बी सी जो भुजाएं हैं उनको रीड किया, पढ़ा। बाद में यदि ए सबसे बड़ा देख लेते हैं, क्योंकि जो छोटा है, जो छोटी आर्म ले ली है उसका, उससे तो जो बड़ी आर्म से उनका एडिशन हमेशा ज़्यादा ही होगा, तो हम देखते हैं कि जो दो छोटी आर्म्स हैं उनका जोड़ा जाए और बड़ी वाली आर्म्स को उसमें से घटा दिया जाए। तो क्या वैल्यू आती है वो एम को असाइन कर देते हैं, वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए क्योंकि दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से ज़्यादा ही होता है ट्राइंगल के लिए। तो ए ए ग्रेटर देन बी है, उसके अंदर ए ग्रेटर देन सी लिख दिया। यदि ए बी से भी बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है तो ए सबसे बड़ा है, तो बी और सी छोटी आर्म्स हैं, छोटी भुजाएं हैं, बी और सी को ऐड किया, ए घटा दिया, तो एम की वैल्यू बी प्लस सी माइनस ए कर दी। यदि ऐसा नहीं है, ए बी से बड़ा है लेकिन सी से बड़ा नहीं है, तो एम इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी कर दी, क्योंकि सबसे बड़ा सी है। यदि ए बी से बड़ा नहीं है तो बी ए से बड़ा है और बी ग्रेटर देन सी की कंडीशन डाल दी। यदि बी सी से बड़ा है तो एम इक्वल टू ए प्लस सी माइनस बी कर दिया, क्योंकि बी सबसे बड़ा है, एल सी सबसे बड़ा है, तो एम इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी कर दिया। इस तरह से हमने एम की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर ली। एम क्या किस तरह से कैलकुलेट किया है? यहाँ पर एम इस तरह से कैलकुलेट किया है कि जो दो छोटी आर्म भुजाएं हैं उनको जोड़ा है, स्मॉल आर्म स्मॉल साइड से उनको ऐड किया और जो लार्जर साइड थी, जो बड़ी भुजा थी, उसको घटा दिया। अब यदि ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल की भुजाएं हैं, तो एम की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। यदि ये ट्राइंगल नहीं है तो वो पॉजिटिव नहीं होगा, तो हमने वो प्रिंट कर दिया। यदि एम ग्रेटर देन जीरो है तो ये प्रिंट कर देगी ये ट्राइंगल की भुजाएं हैं, यदि एम ग्रेटर देन जीरो नहीं है तो ये ट्राइंगल की भुजाएं नहीं है, प्रिंट कर दे। राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल समकोण त्रिभुज जिसको कहते हैं, समकोण त्रिभुज क्या होता है? तो समकोण त्रिभुज की कंडीशन होती है, इसमें पाइथागोरियन प्रमेय जो पाइथागोरियन थ्योरम जो है, पाइथागोरस प्रमेय जो है वो लगती है। इसमें एक कर्ण होता है जिसको मैंने यहाँ एच से डिनोट किया, हाइपोटेन्यूज, एक बेस आधार होता है जिसको बी से डिनोट किया है, एक परपेंडिकुलर होता है पी जिसको पी से डिनोट किया है। ये तीन ट्राइंगल की आर्म्स हैं, राइट ट्राइंगल के आर्म्स हैं। तो राइट ट्राइंगल के लिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर के संग एडिशन के समेशन के बराबर होता है। मतलब एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होगा। कर्ण का वर्ग आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के संकलन के तुल्य होता है। यहाँ एच सबसे बड़ी भुजा है। तो यहाँ पर पिछले प्रोग्राम को फॉलो करते हुए एम की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, लेकिन यहाँ एम सिंपली एम होने की बजाय जो दो छोटी भुजाएं हैं उनका स्क्वायर करके ऐड करते हैं और तीसरी जो बड़ी भुजा है उसका स्क्वायर करके घटा देते हैं और वो एम को असाइन करते हैं और सब कुछ उसी तरह से रहेगा। यहाँ पर यदि एम की वैल्यू जीरो है, मतलब दो छोटी भुजाओं के
स्क्वायर का एडिशन करके बड़ी भुजा उसमें से बड़ी भुजा का स्क्वायर घटाने पर यदि जीरो मिलता है तो वो समकोण त्रिभुज है अन्यथा नहीं है। तो एम की वैल्यू जीरो है तो वो समकोण त्रिभुज है, मतलब राइट ट्राइंगल है, प्रिंट कर दिया। ये राइट ट्राइंगल है अन्यथा प्रिंट कर दिया, ये राइट ट्राइंगल नहीं है, ये समकोण त्रिभुज नहीं है। फैक्टोरियल फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए एक प्रोग्राम बनाना है। इसके अलावा ई जो मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट है उसको कैलकुलेट करने के लिए और ई टू द पावर एक्स कैलकुलेट करने के लिए। फैक्टोरियल क्या होता है, कोई भी हमें नॉन नेगेटिव नंबर रीड करना है और उसका फैक्टोरियल निकाल कैलकुलेट करना है। दूसरा प्रोग्राम है ई जिसमें वन अपॉन फैक्टोरियल कोई भी नंबर है उनका एडिशन होता है वो कैलकुलेट करना है, और तीसरा एक्स अपॉन सम एक्स की कोई पावर है और वो पावर का ही फैक्टोरियल से एक्स को डिवाइड कर दिया वो प्रिंट करना है। तो इनको वन बाय वन करते हैं। पहला फैक्टोरियल, फैक्टोरियल क्या होता है, तो कोई नंबर एन है उस पॉजिटिव नंबर एन है उसका फैक्टोरियल होता है एन यदि एक के बराबर या इससे बड़ा है तो एन एन माइनस वन एन माइनस टू इन सबका मल्टीप्लीसन वहाँ तक जहाँ तक वन आ जाए वहाँ तक मल्टीप्लाई करें वो होता है। यदि एन की वैल्यू जीरो है तो फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू वन होती है। इसके लिए हम सुडो कोड या एल्गोरिथम लिखें, तो रीड एन एन की वैल्यू रीड करो पढ़ो, एक डमी वेरिएबल आई लो जिसको टू असाइन कर दिया, एक दूसरा डमी वेरिएबल फैक्ट लो जो फैक्टोरियल बनेगा उसको वन असाइन कर दिया। अब आई की वैल्यू जब तक एन के बराबर या उससे कम है तब तक एक लूप में डाल दिया वाइल लूप में जिसमें फैक्ट की वैल्यू को आई से मल्टीप्लाई कर दो, आई की वैल्यू एक से इंक्रीज कर दो और फैक्ट को प्रिंट कर दो, ये फैक्टोरियल को प्रिंट कर देगा। इसका फ्लो चार्ट बनाए, तो आई की वैल्यू टू ली, फैक्ट की वैल्यू वन ली, एन को रीड किया, आई जब तक एन से छोटा या बराबर है तब तक ये लूप चलता रहेगा, लूप में फैक्ट को कि आई से मल्टीप्लाई कर दिया, आई को एक इंक्रीज कर दिया, मतलब आई की वैल्यू टू, फैक्ट की वैल्यू फाइव, एन की वैल्यू फाइव रीड की है तो आई की वैल्यू टू फैक्ट को टू से मल्टीप्लाई करेगा, वन ऑलरेडी आई गया, वन मल्टीप्लाई बाय टू बाद में आई की वैल्यू थ्री हो जाएगी, थ्री से मल्टीप्लाई करेगा, फोर से एंड फाइव से मल्टीप्लाई कर देगा, बाद में फैक्ट को प्रिंट कर देगा जो फैक्टोरियल की वैल्यू होगी। प्रोग्राम देखें, तो आई इक्वल टू टू फैक्ट इक्वल टू वन के लिए इसी प्रोग्राम में आई इक्वल टू टू सेमीकोलन फैक्ट इक्वल टू वन सेमीकोलन लिखेंगे। रीड एन के लिए स्कैन एफ में कन्वर्जन स्पेसिफायर परसेंटेज डी और एम परसेंट एन लिख देंगे। वाई कंडीशन लूपिंग वाली कंडीशन है वो है तो वाइल में आई लेस देन इक्वल टू एन लिख देंगे। आगे कैलकुलेशन असाइनमेंट है तो फैक्ट इक्वल टू फैक्ट स्टार आई को फैक्ट स्टार आई को स्टार इक्वल टू आई लिख देंगे, आई इक्वल टू आई प्लस वन को आई प्लस प्लस लिख देंगे और प्रिंट फैक्ट को प्रिंट करना वहाँ प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिख देंगे। वो सबको एक साथ लिखेंगे तो ये एक प्रोग्राम बनेगा जिसमें एडर फाइल इंक्लूड किया stdio.h मेन फंक्शन के अंदर आई एन और फैक्ट को डिक्लेयर किया है इंटीजर, आई को टू असाइन कर दिया, फैक्ट को वन असाइन कर दिया, बाद में कोई भी नॉन नेगेटिव नंबर इनपुट में देना है जिसका फैक्टोरियल हमें निकालना है उसको रीड किया, स्कैन एफ में कंडीशन लगा दी आई की वैल्यू जब तक एन से कम या बराबर है तब तक वाइल कंडीशन वाइल लूपिंग रिपीटेशन स्टेटमेंट चलेगा, फैक्ट को आई से मल्टीप्लाई किया, आई प्लस प्लस किया और लास्ट में फैक्ट को प्रिंट कर दिया। सेकेंड पार्ट इसी क्वेश्चन का जिसमें e की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसमें फॉर्मूले में e इक्वल टू वन प्लस वन अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल एंड सो ऑन चलता है। तो यहाँ पर हम एल्गोरिथम लिखते हैं उसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, पिछली बार हमने कंडीशन डाली थी कि n तक लूपिंग चलेगी, इस बार लूपिंग हमें नहीं पता कहाँ तक चलेगी क्योंकि e की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जब तक ये वन अपॉन फैक्टोरियल n है ये बहुत छोटा ना हो जाए तब तक हमें ये कैलकुलेशंस करनी है। जैसे हमने यहाँ एक कंडीशन डाल दी कि जो भी वन अपॉन फैक्टोरियल एन की वैल्यू 0.0001 से ज़्यादा है तब तक ये ऐड कर ले सबको। तो इस बार आई जो डमी वेरिएबल है उसको वन असाइन किया, सम को भी वन असाइन कर दिया, टर्म को वन असाइन कर दिया, बाद में कंडीशन डाल दी कि जब तक कि टर्म की वैल्यू 0.0001 से ज़्यादा है तब तक ये लूप चलता रहे। जब हमारा ट्रम है वो एक रियल वेरिएबल है, इसी तरह सम भी रियल वेरिएबल होगा। डिवाइड ट्रम बाई वन आई, जो डिवाइड ट्रम है उसमें आई का भाग दे दो, आई का भाग देने पिछली बार मल्टीप्लाई किया था इस बार आई का भाग दे रहे हैं जिससे ये फैक्टोरियल बनता जाएगा, हर बार बनता जाएगा। ट्रम है उसमें सम
सम है उसमें टर्म को ऐड कर दो, ये टर्म की वैल्यू है 1 अपॉन फैक्टोरियल कैलकुलेट होती जा रही है, पिछली बार मल्टीप्लाई किया था इस बार डिवाइड कर रहे हैं, वो बनता जा रहा है, और बाद में सम में वो वैल्यू ऐड कर दो, आई की वैल्यू इंक्रीज कर दो और लास्ट में सम को प्रिंट कर दो। इसी के लिए हम फ्लो चार्ट प्रिंट फ्लो चार्ट बनाए। तो फ्लो चार्ट में स्टार्ट आई इक्वल टू 1, सम इक्वल टू 1, टर्म इक्वल टू 1, टर्म ग्रेटर देन 10^-4, तो कैलकुलेशंस करते जाओ। इसका मतलब ये एक्यूरेसी देगा, 10^-4 की एक्यूरेसी देगा जो भी वैल्यू कैलकुलेट करेगा। और प्रोग्राम लिखें तो प्रोग्राम में व्हाइल स्टेटमेंट जो फैक्टोरियल के लिए था ऑलमोस्ट वैसा ही प्रोग्राम होगा, टर्म ग्रेटर देन 0.0001 होगी, टर्म लेस देन इक्वल टर्म इक्वल टू टर्म अपॉन आई और सम इक्वल टू सम प्लस टर्म आई प्लस प्लस, प्रिंट ऐप में सम को प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट है जिसमें ई टू द पावर एक्स को कैलकुलेट किया है। अब यहाँ पर हमने क्या चेंज किया है, तो पिछले यदि ई वाले में ई के लिए जो एक्सपेंशन किया था उसमें देखें तो यहाँ पिछली बार आई का भाग दे रहे थे, इस बार वहाँ एक्स से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। तो जो एल्गोरिथम है उसमें एल्गोरिथम में हम जो टर्म है उसको आई से डिवाइड ही नहीं कर रहे, साथ में एक्स से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और सब कुछ वैसा का वैसा है। तो यहाँ पर टर्म फ्लो चार्ट में सिर्फ इतना ही चेंज है, टर्म इक्वल टू टर्म स्टार अपॉन आई था, इस बार टर्म इक्वल टू टर्म स्टार एक्स अपॉन आई हो गया। यदि प्रोग्राम में देखें तो पिछली बार टर्म में आई से टर्म को आई से डिवाइड किया था, इस बार टर्म को एक्स अपॉन आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये एक्सरसाइज इसके साथ ही एंड होती है।